इंट्रोडक्शन नॉर्मल सा ही है। अरिस्टोटल एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उनके वर्क्स लिखे हैं दोनों, पॉलिटिक्स और एथिक्स। एंड दैट हिज पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलोसफी आर इन्फ्लुएंशियल इवन टूडे। फिर उनका ये लिखा है कि अरिस्टोटल हैज बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटीज, सिमिलैरिटी ड्रॉ करी है विथ प्लेटो। एंड हिज आइडियाज ऑफ दैट मैन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस, मैन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। देन स्लेवरी के बारे में बोला है कि एरिस्टोटल टू हैज टेकन अ फंक्शनलिस्ट व्यू एंड सपोर्टेड स्लेवरी। तो फंक्शनलिस्ट कैसे कि सिंस इट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, फॉर द मास्टर एज वेल एज फॉर द स्लेव हिमसेल्फ, उसी के रीजन्स भी दिए हैं। एंड हेंस ही सेज दैट स्लेवरी इज अ यूजफुल इंस्टीट्यूशन। ये फ्लो में थोड़ा इनकोहेरेंस लगा मुझे, ये वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये वो प्लेटो के बाद तुरंत लिख सकते थे, बट मुझे अब भी स्ट्राइक हुआ तो मैंने यहाँ लिख दिया कि स्लेवरी वॉज नेचुरल। मतलब एरिस्टोटल का एक व्यू पॉइंट ये है कि स्लेवरी वॉज इज नेचुरल, तो हाउ इट इज नेचुरल बिकॉज पीपल नेचुरली पजेस द एबिलिटी, सम पीपल नेचुरली पजेस एबिलिटी टू रीजन, टेक डिसीजन एंड करेजियसली अपहोल्ड दैट डिसीजन, वाइल अदर्स डू नॉट हैव। तो ऐसे मास्टर और स्लेव बनते हैं, इसलिए उनका बोलना है कि स्लेवरी इज नेचुरल, स्लेवरी अपियर्स नेचुरल टू हिम। देन ये क्रिटिसिज्म का करना था, तो यहाँ से क्रिटिसिज्म का पार्ट है कि इट इज ही इज हेवीली क्रिटिसाइज फॉर हिज जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी, बिकॉज टूडेज यू नो कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज व्यूड एज अ प्रिजुडिस्ड अप्रोच। कांत का व्यू दिया है एवरी मैन, ईच मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ, एंड दैट ही अपहोल्ड्स ह्यूमन डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन। देन और भी उनके बाकी के जो थियोरीज है एरिस्टोटल के, मतलब क्रिटिक ज्यादा मेरे पास था नहीं, मैंने उनका प्रेजुडिस व्यू इज ऑल्सो सीन फ्रॉम हिज अदर थियोरीज, ये लिखा है कि हिज थियोरी ऑफ सिटीजनशिप एक्सक्लूड्स वेमेन, ओल्ड एंड डिसेबल्ड पीपल। थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी ओनली अलाउज मैन टू होल्ड प्रॉपर्टी, एंड हिज थियोरी ऑफ जस्टिस अपोजेस एब्सोल्यूट इक्वालिटी। तो ही हैज प्रिजुडिशियल एंड कंजर्वेटिव अप्रोच एरिस्टोटल। और फिर ही इज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर प्रैक्टिसिंग एथनोसेंट्रिसिज्म, दैट ग्रीक्स आर द कैन आर बेस्ट टू रूल ओवर बारबेरियंस। दिस ऑल्सो यू नो सपोर्ट्स द थियोरीज ऑफ वाइट मैन्स बर्डन एंड बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। ऑल्सो कार्ल पॉपर ने ये मैंने इन्होंने केडी ने कुछ ये करा था कमेंट, उससे ये पॉइंट उठाया कि एरिस्टोटल हैज रिएक्शनरी व्यूज एंड हैज रिपीटेडली हैड टू रिपीटेडली डिफेंड हिज आइडियाज अगेंस्ट दोज हु आर प्रपोनेंट्स ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। तो एंड में ये लिखा है कि कंटेम्प्ररी टाइम्स में स्लेवरी कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी फॉर्म। फिर थोड़ा पॉजिटिव लिखा है कि एरिस्टोटल हैज डिफेंडेड स्लेवरी बट ही वॉज अवेयर ऑफ इट्स निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, सो ही हैज गिवन सम रिकमेंडेशंस दैट स्लेव शुड नॉट बी मिस ट्रीटेड एंड दे शुड बी सेट फ्री इफ दे शो वैल्यूज ऑफ रीजंस एंड रीजनिंग एंड करेज। फाइनली आई हैव रिटन दैट इट कैन बी सेड दैट इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल हैज फेल्ड टू क्रिटिकली एग्जामिन देयर ओन कंजर्वेटिव व्यूज एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी। अच्छे नहीं है क्या? इसमें क्रिटिसिज्म के लिए कमेंट्स में केडी ने काफी सारे पॉइंट्स डाले थे, और भी है अगर इट इज नॉट देयर तो वो पॉइंट्स बस देख सकते हैं। ठीक है। इनके के यहाँ पे
हाँ या कोई व्यूज पढ़ देगा ये क्या लिखा है वो सीखने एक बार जवानी। Sclafer contemplates about Aristotle as an incoherent person even in the confines of a single sentence. He also believes that the presence of such flaws in the presentation of a philosopher only displays the power of ethnocentrism in inducing foolishness. He further considers that Aristotle only has argument, claiming that all barbarians are slaves by nature. Second value. Karl Popper in his work Open Society and Its Enemies has disapproved Aristotelian principle of slavery and stated that Aristotle's view were indeed reactionary, as can be best seen from the fact that he repeatedly finds it necessary to defend them against the doctrine that no one is a slave by nature, and further from his own testimony to the anti-slavery tendencies of Athenian democracy. ये वाला पॉइंट तो आई गेस डाला हुआ है वृषाली ने. Criticism, classification of individuals on the basis of capacities is wrong, and Aristotle never provided any logical method to be adopted to classify individuals. Criticism, his theory is highly prejudicial and contradictory to the human dignity, and what is this, niceties or whatever of life. Niceties. Okay. It is prejudicial in the sense it presupposed that Greeks were fit to rule that world, the world, and they could not be enslaved even if they were defeated by the barbarians. ठीक है, तो वृषाली ने तो मेरे ख्याल से तीनों अपनी लैंग्वेज में करे ही हुए हैं. एक ऊपर वाला स्क्लेफर, स्क्लेफर ही नाम है ना उसका, उसका थोड़ा सा अलग था. ये तो आई थिंक बड़ा भी नहीं है, किसी ने पढ़ा है क्या स्क्लेफर वाला? इसमें यही लिखा है कि उसने मतलब इतना बढ़िया वो फिलोसोफर होके भी उसने एथनोसेंट्रिसिज्म पे फोकस करा है और मतलब ये स्लेवरी जैसे फुलिश चीज को प्रमोट करा है. और वो इनकोहेरेंट है. और किसी को कोई इसमें ऐड ऑन करना था इसमें थ्योरी ऑफ स्लेवरी में कुछ और ऐड ऑन का हो सकता था जो वैशाली ने बताया और ये क्रिटिसिज्म दिया कौशिक ने उसके अलावा? मुझे एक डाउट था कि अगर अपने हमारे पास ज्यादा कंटेंट नहीं है तो मैंने जैसे उनके बाकी के थियोरी से थोड़ा सा ये दिखाया कि he had prejudiced views about overall या फिर conservative, so is it fine to do that? Because 20 marker था. हाँ, आई थिंक बहुत सारी थ्योरीज में ना कॉन्टिनम है ही, अगर आप मतलब वो जस्टिस वाली थ्योरी से भी लिंक कर सकते हो. हाँ हाँ तो ऐसे कर सकते हैं ना. हाँ कर सकते हैं. 20 मार्क्स में आप मतलब इसमें ज्यादा स्कॉलर्स भी नहीं है देखा जाए तो, स्कॉलर्स भी नहीं है और कंटेंट भी थोड़ा सा लिमिटेड है, तो आई थिंक थ्योरीज आपस में इंटर रिलेटेड है तो उन्हीं के आसपास आप थोड़ा बीटिंग अराउंड कुछ वाला बात हो गया, आई थिंक वो हो सकता है उसमें. बाकी लोग कोई व्यू इसके ऊपर? हाँ आई थिंक फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3. टेक ने लिखा है अथॉरिटी ऑफ मास्टर एंड दैट ऑफ स्टेट्समैन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. गायत्री, गायत्री है क्या? हाँ तो क्वेश्चन था द अथॉरिटी ऑफ मास्टर एंड दैट ऑफ अ स्टेट्समैन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ही कंपेयर्स 158 कॉन्स्टिट्यूशन एंड फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ.
अबाउट स्टेटमेंट इज गिवन बाय एरिस्टोटल इन द स्टेटमेंट ऑफ इन द कंटेक्स्ट टू क्रिटिसाइज प्लेटोज व्यू ऑफ स्टेट. प्लेटो वॉन्ट्स टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब वॉट कंस्टिट्यूट एन आइडियल स्टेट. ही कंपेयर स्टेट विद फैमिली एंड फिलोसोफर किंग एज फादर, वेयर फादर ऑर्डर नीड्स टू बी ओबेड लाइक चिल्ड्रन विदाउट राइज आस्किंग एनी क्वेश्चन. ऑल्सो sacrifice their personal interest for the sake of family, where he actually means sacrifice personal life for the sake of political. Plato even suggests extreme solution like abolition of family, private property, and for this radical idea, Aristotle criticized him. According to Aristotle, state is like family of families which has different interests. Aristotle believes in the principle of golden mean. Unlike perfectionist described by Plato, Aristotle does not talk of ideal state, rather best practicable state. Aristotle believes the law governing families need not be dictated by one as suggested by Plato. To give ultimate power to the philosopher king, law should be result of deliberation among very different families. It reflects reconciliation among competing interests. So there is no need to sacrifice personal for political. As his view, one should not sacrifice good for the sake of best. There is need to maintain a balance so that the coexist, so that they coexist. Plato believes in excessive unity, as Aristotle always suggests pragmatic view to live in unity and diversity. Thus Aristotle has criticized Plato's suggestion, considering the remedy as worse than the disease. और क्या एडिशन करना चाहिए था यार इस क्वेश्चन में? नीलेश, शिवानी, गौरव, ऑडियो नहीं आ रहा था सही से भाई. यूनिटी का बोला कि दोनों ने वो एक्सेसिव यूनिटी बोलता था प्लेटो, और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो लिखा है, ये पैरा लिखा है पूरा उसका. कंटेंट तो सेम ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं अपने पास. कंक्लूजन में क्या लिख सकते थे यार? एक पॉइंट ये था कि जो पब्लिक और प्राइवेट का डिस्टिंक्शन किया था एरिस्टोटल ने, दैट आल्सो प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर सिविल सोसाइटी. तो वो एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है. वापस रिपीट करना क्या पॉइंट बोला? जो पब्लिक प्राइवेट का डिस्टिंक्शन किया था ना एरिस्टोटल ने, कि पब्लिक लाइफ अलग है प्राइवेट लाइफ अलग है, तो वो एक्चुअली पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का गोल्डन मीन था सिविल सोसाइटी, ऐसा करके भी बोला था उसने. तो वैसा कुछ पॉइंट ले सकते हैं. मैं एग्जैक्ट पॉइंट एक मिनट सर्च करके बताता हूँ. ठीक है यार, कंक्लूजन पे डिस्कस कर ले कुछ और. कोई किसी के पॉइंट पॉइंट है कि और कैसे एंड कर सकते थे कंक्लूजन? ठीक है, आई थिंक देन नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, रूल ऑफ लॉ बेटर देन रूल ऑफ मेन. टोटल समीप ने लिखा है.
और अदिति ने लिखा है। अमित बोलेगा क्या इस पे? हाँ हाँ यार, सो बेसिकली तो इंट्रोड्यूस किया था, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ। फिर रूल ऑफ लॉ रिप्रेजेंट्स द लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। देन थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ केम एज अ करेक्टिव और क्रिटिक ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। तो बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट बताया कि रूल ऑफ लॉ की बात उसने किस कॉन्टेक्स्ट में की थी। कि प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का आइडिया दिया था कि नो लॉ और ऑर्डिनेंस कैन बी माइटियर देन द नॉलेज। तो वो फिलोसोफर किंग के नॉलेज पर रिलाय करता था, दैट इज रूल ऑफ मैन। तो एरिस्टोटल ने इस फिलोसोफर किंग के को रिजेक्ट किया एज यूटोपियनिज्म एंड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इनहेरेंट डेंजर्स लाइक टिरनी। फर्दर ही ऑल्सो सजेस्ट दैट रूल ऑफ लॉ इज एन अल्टरनेटिव। तो रूल ऑफ लॉ वाई इट इज एन अल्टरनेटिव, उसके दो रीजन दिए उसने। फर्स्टली रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ पर्सन इज वन एंड द सेम थिंग। तो उसके हिसाब से दोनों एक ही चीज है, बट एक ही डिफरेंस है कि लॉ इज नथिंग बट द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। तो रीजन जो इनर सोल में होता है, लॉ बुक्स में होता है। तो दैट्स व्हाई ही सेड कि रूल ऑफ लॉ, प्लस दूसरी चीज उसने बोली कि रूल ऑफ लॉ का कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, लाइक इट इज इम्पर्सनल, दैट इज इट इज रीजन विदाउट पैशन एंड इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस। तो उसने यही बोल रहा है कि बेसिकली रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ मैन एसेंशियल है, बट रूल ऑफ लॉ कम्स विद एडिशनल बेनिफिट्स। प्लस उसके बाद नेक्स्ट वो उसका कुछ क्रिटिसिज्म था कि हाउएवर रूल ऑफ लॉ मे हैव इट्स ओन लिमिटेशंस, लाइक इट मे बी साइलेंट एट प्लेसेस और इट मे बी रिजिड। ये कुछ रूल ऑफ लॉ के क्रिटिसिज्म है। साइलेंट एट प्लेसेस में फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी का जो लॉ है, तो देर इज मतलब लॉ अभी उसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, तो देर इज लैक ऑफ रेगुलेशन। तो वो ऐसी एक ब्रैकेट में लिखा है, आई एम नॉट श्योर वो कितना रेलिवेंट है, बट लिमिटेशन बताया। बट देन कंक्लूड किया कि डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट रूल ऑफ लॉ रिप्रेजेंट्स अ गोल्डन मीन एंड वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट। प्लेटो हिमसेल्फ एक्नॉलेज द लिमिटेशंस ऑफ रूल ऑफ मैन एंड मेड अ थ्योरेटिकल शिफ्ट इन हिज बुक द लॉज एंड प्रोवाइडेड फॉर एन एलैबोरेट सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ को वो बता रहा है रूल ऑफ मैन से बेटर है, एंड उसके कुछ क्रिटिसिज्म रूल ऑफ लॉ के भी दिए हैं। एंड कंक्लूड किया है कि प्लेटो हिमसेल्फ, क्योंकि वो प्लेटो के क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आया था, प्लेटो ने खुद भी उसको एक्सेप्ट किया, तो उस पर कंक्लूड कर दिया। बट कौशिक ने कुछ 4-5 पॉइंट्स अच्छे दिए हैं उसके बाद में, जो कि रूल ऑफ लॉ में ऐड किए जा सकते हैं। एक पेरिसल का था, एथेनियन स्टेटमेंट्स आल्सो सेड डिस्कशन इज नॉट स्टम्बलिंग ब्लॉक बट इंडिस्पेंसिबल प्रिलिमिनरी ऑफ वाइज एक्शंस। ठीक है, एक रॉस्यू ने दिया था कि जनरल विल कैन डेवलप ओनली व्हेन पीपल गो फॉर एक्टिव डेलिब्रेशन एज लॉज गवर्निंग कलेक्टिव लाइफ शुड बी रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ जनरल विल की बात कर ली थी ताकि कलेक्टिव लाइफ और गवर्न कर सकें। फिर था, एरिस्टोटल वॉज ऑफ व्यू डैट ऑर्डनरी पीपल डेलिब्रेटिंग कैन अराइव एट बेटर डिसीजन रादर देन एक्सपर्ट एक्टिंग अलोन। ये तो ठीक है, सीधा साधा था। रूल ऑफ लॉ इज बेसिस फॉर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। हाँ, ये भी सही था। कंटेंट तो बेसिकली मेरा भी सेम था। एक मैंने एक एग्जाम्पल डाला था, आई डोंट नो सही है या नहीं, बट जैसे आयोतेला खोमिनी है तो वहाँ पे विजडम ऑफ वन, और मैंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया कि रूल ऑफ लॉ लाइक हाउ इट इज बेटर लाइक एज इट इज कलेक्टिव विजडम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जाम्पल। हाँ, वो इंडिया का एग्जाम्पल अच्छा है, मतलब दोनों कंपैरिजन अच्छा है। एंड आई थिंक जो कौशिक वाले पॉइंट्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल दे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन को कंपेयर करना था, तो उसमें डायरेक्टली तो नहीं आ पाता, मतलब कहाँ ऐड करना है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। बट रूल ऑफ लॉ पे अगर क्वेश्चन है, तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का अल्टीमेटली बेसिस वही है कि मतलब रूल ऑफ लॉ का बेसिस वही है कि लॉ बनता कैसे, थ्रू डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल का वही कहना था, तो उसमें फिर रूसो वाला पॉइंट और जो पेरिकल्स वाला पॉइंट है वो सब डाल सकते। कंटेंट रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड कंटेंट के लिए वो अच्छा है, बट आई गेस इस क्वेश्चन में तो ये एज इट इज नोट्स में, जो मैम के नोट्स में था, मैंने भी वही लिखा है, शायद आपने भी वही लिखा।
ये लिखा है आपने, नो लॉ और बुक इज माइटियर देन नॉलेज, ये प्लेटो जो भी मैंने, मेरा स्ट्रक्चर ये था कि पहले मैंने वही लिख दिया कि द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल इन रिस्पॉन्स टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। फिर मैंने एरिस्टोटल का थोड़ा सा दिया इंट्रोडक्शन कि ग्रेटेस्ट डिसाइपल है, ग्रेटेस्ट क्रिटिक है, और प्लेटो ने सारी एब्सोल्यूट पावर्स दे दी थी फिलोसफर किंग को। फिर प्लेटो का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक लिमिट करना चाहिए, वो समझता था कि एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर मतलब बुक लिमिट कर देगी एक एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर को, और दूसरा था कि नो लॉ और बुक इज माइटियर देन नॉलेज। और फिर मैंने एरिस्टोटल का बता दिया कि वो बेस्ट, और वो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट और वो सब, फिर तो सेम ही है सब। हाँ, सो बेसिकली लाइक एक इंट्रोडक्शन है, देन देर इज अ कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस स्टेटमेंट वॉज मेड, उसका स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट, एंड वाई रूल ऑफ लॉ इज गुड, एंड देन अ शॉर्ट क्रिटिसिज्म ऑफ रूल ऑफ लॉ, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है। आई थिंक फिर कवर हो ही गया, बाकी पॉइंट्स जैसे मेंशन कर दें। किसी और का कोई व्यू है इस पे, कुछ और एडिशन होना चाहिए था? क्वेश्चन सेंट्रल टू एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट इज हिज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशंस इन पॉलिटिक्स। ठीक है, पलाश समीप इनके। हाँ, पलाश बोलेगा क्या इस पे? मैंने एरिस्टोटल का बता दिया इंट्रोडक्शन, और पॉलिटिक्स का बता दिया कि फर्स्ट बुक है डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि बात की उसने। फिर थियोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया मैंने, प्लेटोस थियोरी वाज बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन, बट एरिस्टोटल का जो एनालिसिस है उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर उसने क्लासीफाई किया है, कंपेयर एनालाइज कर लिया है उसने, उसके नंबर ऑफ क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो पावर में है, और उसके गुड फॉर्म और जब उसका करप्ट फॉर्म जो होता है, गुड फॉर्म अपने पीपल के इंटरेस्ट के लिए काम करता है और करप्ट फॉर्म सेल्फ सर्विंग रहता है। फिर नेक्स्ट पेज में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को बोलता है वो, क्योंकि मतलब जो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग रहेगा, बट मोनार्की इज द बेस्ट बट नॉट बेस्ट प्रैक्टिकल बोलता है वो एरिस्टोटल। फिर प्रैक्टिस में वो टायरनी में चेंज हो जाता है जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को सेकेंड वर्स बोलता है वो, जो रूल ऑफ इग्नोरेंट पुअर रहेगा। फिर वो डेमोगोगिक लीडर्स के इमरजेंस के बाद वो भी टायरिंग में चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो पॉलिटी की बात करता है जो बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म, ये रूल ऑफ मेनी भी है लेकिन नॉट टू मेनी है, तो ये रूल ऑफ मिडिल क्लास के बारे में बता रहा है। तो पॉलिटी एक गोल्डन मीन रहेगा जो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच में रहेगा, इसमें रूल ऑफ फ्यू भी रहेगा और रूल ऑफ मेनी इग्नोरेंट पुअर के बीच का रहेगा। तो पॉलिटी मॉडरेशन की तरह काम करेगा, ये स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। तो एरिस्टोटल क्योंकि कंजर्वेटिव है, वो बहुत सारे चेंजेस नहीं रेजिस्ट करता है ज़्यादातर, तो उसको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए थी। तो इसने बहुत सारे कॉजेस पढ़े थे रिवॉल्यूशन के, उसको मालूम चला था कि इनइक्वालिटी और डिस्ट्रेस के कारण ज़्यादा होता है रिवॉल्यूशन, इसलिए उसने पॉलिटी लिया। पॉलिटी में यह है कि ये जो डिस्ट्रस्ट है ये दूर हो सकता है, क्योंकि रिच और पुअर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट वो मिडिल क्लास के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और मिडिल क्लास क्योंकि प्रॉपर्टी क्लास है उनके पास स्टेक्स भी है गवर्नमेंट, तो वो मैन ऑफ रीजन भी है और वो एफिशियंट और स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर करेगा। एरिस्टोटल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंसाइट इन टू पॉलिटिक्स साइकोलॉजी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ये फाउंडेशन लेट करता है रूल ऑफ लॉ का, डेलिब्रेटिव गवर्नमेंट का, बट तो भी फेल शॉर्ट कि अपना मोर इंक्लूसिव नहीं हो पाता है यूनिवर्सल सिटीजनशिप देने में। एरिस्टोटल हेट फॉर डेमोक्रेसी कैन बी सीन एज अ लेगेसी ऑफ प्लेटो, बट स्टिल ही वॉज अहेड ऑफ प्लेटो टू कंटिन्यू द ट्रेंड ऑफ सोक्रेटिस ऑफ डायलेक्टिक्स। फिर लेटर प्लेटो भी अपने लॉज जो था उसमें एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिकेबल है रूल ऑफ लॉ, और एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट जो है प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट हो जाता है। का एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट प्लेटो सेकंड बेस्ट स्टेट। हाँ, क्योंकि प्लेटो का जो पहले था वो तो अपना फिलोसोफर किंग ही था ना, नहीं, लेकिन आखिर एरिस्टोटल के लिए भी तो आइडियल स्टेट फिलोसोफर किंग का ही है। नहीं, वो मैम के नोट में ऐसे दिया था वैसे, बट
उसका एक्सप्लेनेशन शायद मैम ऐसे देने की कोशिश कर रही थी कि अरिस्टोटल का खुद का जो स्टेट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल, उसके लिए प्रैक्टिकेबल ही आइडियल होगा, ऐसा कुछ है। और प्लेटो के लिए तो सेकंड है, क्योंकि उसके लिए तो फिलोसोफर किंग ही था। एक्चुअली वही है, वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल को आइडियल मान रहा है जो पॉलिटी है, एंड फॉर प्लेटो दैट इज सेकंड बेस्ट। ऑलराइट, इस पे तूने भी लिखा है ना समीप? हाँ यार, मेरा आंसर फर्स्ट हाफ तो सेम ही है मोस्टली मेरा और पलाश का। जो सेकंड हाफ है उसमें आई गेस पलाश का आंसर बेटर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉलिटी को ही खाली टच किया मैंने, और कोई एस्पेक्ट लिया नहीं, पॉलिटी के बारे में लिखा, एंड देन आई क्रिटिसाइज पॉलिटी ओनली। तो आई गेस क्वेश्चन के हिसाब से पलाश का आंसर इज बेटर। फर्स्ट हाफ तो एकदम ही सेम है हम लोगों का, वो टाइपोलॉजी तक तो एकदम सेम है, उसकी अगला पैराग्राफ भी सेम है। बट जो लास्ट में उसने एनालिसिस किया थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेटर है, वो थोड़ा और मतलब कंटेक्चुअल है क्वेश्चन के हिसाब से। इस पे पॉपर का क्या क्रिटिसिज्म दिया? हाँ पॉपर का, एक्चुअली पॉपर और सिबली दोनों का जो कोट है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली जो एरिस्टोटल का पॉलिटी था ना उससे, कि सिबली ने बोला था कि पॉलिटी रिफ्लेक्ट्स अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एरिस्टोटल्स प्रैक्टिकल पॉलिटिकल विजडम्स एंड ऑल्सो द एथिकल पॉलिटिकल पोजिशन प्लस प्रैक्टिकल पॉलिटिकल विजडम। वो कह रहा है कि वो एनालिसिस करके उस कौन वहां पहुंचा है, एंड एथिकल पॉलिटिकल पोजिशन भी बता रहा है कि कौन सी बेस्ट बेस्ट रहेगी सोसाइटी के लिए, उसका कंडेंसेशन है वो एक तरह से। एंड देन पॉपर ने उसको क्रिटिसाइज किया है वही पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को, ही सेज दैट देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन प्लेटोनिक एरिस्टोक्रेसी, बैलेंस्ड फ्यूडलिज्म एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज, बट फ्यूडलिज्म हैज द बेस्ट ऑफ इट। वो भी पॉलिटी का ही क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा पॉलिटी वाले साइड पे चला गया मेरा आंसर, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से उतना कॉन्टेक्चुअल नहीं है, तो इसलिए पलाश ने जो लास्ट के दो तीन पैराग्राफ लिखे हैं वो सही है। कंक्लूजन बहुत ही जेनरिक सा दे दिया था मैंने। कंक्लूजन में आई थिंक पलाश ने ठीक ही कर दिया उसे। हाँ वही सही है मेरे ख्याल से। और किसी का कोई भी है क्या इसके ऊपर? क्वेश्चन 6, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन और एरिस्टोटल इज स्टेटस कोएस्ट। दो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे। वैशाली कौशिक और लिखा यार इस पे। यार मेरा और कौशिक का ही है शायद, शानू ने रिव्यू किया है, शानू ने भी लिखा है क्या? शानू ने भी लिखा है। ओ मैंने देखा है, भी लिखा है। मेरा तो नॉर्मल वही एसआर में, मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, मैंने तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। मेरा पढ़ना है क्या? मैं बताए तुम ब्रीफ में लास्ट टाइम का मैंने शुरुआत तो मैंने सीधा रेवोल्यूशन से ही कर दिया एकदम, और बता दिया कि उसने डिफाइन कैसे किया है रेवोल्यूशन को। फिर मैंने कॉजेज दे दिए, जो पर्टिकुलर कॉजेज और जनरल कॉजेज दिए रेवोल्यूशन के। उसके बाद आई हैव जंप टू इनइक्वालिटी बीइंग द मेजर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन व्हिच वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद मैंने उसको डिफाइन किया है कि वो इनजस्टिस से कैसे रिलेट होता है और थ्योरी ऑफ जस्टिस से कैसे रिलेट करती है। इसके बाद आई टॉक्ड अबाउट प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, और फिर वही जो कोट है इक्वल्स अनइक्वली है, अनइक्वल इक्वली है। देन आई जंप टू द स्टेटस, ये जो मेरिट बेस्ड इनइक्वालिटी है जिसका एरिस्टॉटल मेंटेन करने के लिए सोचता था स्टेबिलिटी के लिए, इट हाईलाइट द स्टेटस को इस नेचर। और फिर मैंने ये बता दी कि कैसे और भी मतलब ओलिगार्की और डेमोक्रेसी से भी वो इनइक्वालिटी को दर्शाता था, और वो कैसे रेवोल्यूशन में हाउ इट लीड्स टू रेवोल्यूशन। ये तूने स्टेटस को इस बेसिस पे दिखाया कि मैरिट बेस्ड इनइक्वालिटी को वो प्रिजर्व करना चाह रहा था? या काइंड ऑफ। अच्छा ठीक, गुड।
बिकॉज आई वाज जस्ट बिफोर इससे पहले वाले पैराग्राफ में आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शनल इक्वालिटी और थ्योरी ऑफ जस्टिस, इससे मैंने इसको रिलेट कर दी। और इसके बाद से मैंने ओलिगार्की के नेगेटिव बता दी कि कैसे वो रेवोल्यूशन करते हैं, देयर इज वेल्थ इन हैंड्स ऑफ यू तो वो रिवोल्टिंग अगेंस्ट रिच, एंड इन कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेसी में द रिच कॉन्स्पायर अगेंस्ट द पुअर, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू रेवोल्यूशन। तो उसके बाद मैंने सोल्यूशन दे दिया कि वो पॉलिटी का सोल्यूशन देता है एज द रूल बाय मिडिल क्लास, और कुछ एडिशनल कुछ उसके सोल्यूशंस भी थे, एजुकेटिंग सिटीजंस अबाउट सिविक वर्चूज एंड मॉडरेटिंग एक्साइटिंग पावर। इसका मैं अलग पैराग्राफ बना सकता था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कंटेंट कम हो गया, आई वुड हैव कोई अलग से पैराग्राफ बना के इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। तो एनीवे उसके बाद फिर मैंने बस उसका रेलेवेंस बता दिया कि हिज मैसेज इज स्टिल रेलेवेंट, कि कभी भी अगर डिस्पैरिटीज होंगी तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगी, और फिर उसको लिंक कर दिया करंट इवेंट से कि हाउ फ्रेंड्स रिवोल्यूशन आर अफेक्टिंग एन इंडियन इन क्राइसिस, और वेरी क्लियर रिमाइंडर्स ऑफ हाउ रेलेवेंट इज एरिस्टोटल्स थ्योरी इवन टू। मतलब मैंने तो इसको थोड़ा सा ना अलग सेंस में लिया, मैंने उसको इस सेंस में लिया कि उसने रेवोल्यूशन को बहुत स्लाइट चेंज के अंदर भी वो रेवोल्यूशन मान लिया, और उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करो उस स्लाइट चेंज को भी। तो आई थिंक इस सेंस में मैंने उसको थोड़ा स्टेटस पोज दिया। मैं पढ़ दूंगा मैं अपना आंसर। स्ट्रक्चर बता दो। स्टार्ट वही फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, सॉरी यहाँ पे गलती भी करी थी, पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज ही एनालाइज 158 कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होकर उसने वो किताब लिखी थी पॉलिटिक्स, ठीक है, और उसके अंदर वो सारा वो गवर्नेंस और वो रिजीम चेंज लॉज एक्सेट्रा उसके ऊपर उसने थेरो ने एनालिसिस किया था। लेकिन उसका ये जो रिजीम चेंज का जो आइडिया लिया था ना, उसने बहुत ही नैरो और कंजर्वेटिव सेंस में लिया था, और उसकी जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है उसके अंदर एरिस्टोटल डिस्क्राइब करता है कि एक माइनर चेंज को भी गवर्नेंस के अंदर एक माइनर चेंज भी हो जाता है तो वो एक तरीके से रेवोल्यूशन है उसके लिए। तो एरिस्टोटल हैज लिंक्ड हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन विद द थ्योरी ऑफ जस्टिस, मतलब वो रेवोल्यूशन को फिर मैं जस्टिस पे लेके गया हूँ, क्योंकि बिकॉज ही बिलीव दैट द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन इज फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी विच कैन बी इधर मतलब रियल हो सकती है या अपेरेंट हो सकती है वो इनइक्वालिटी। तो ही बिलीव दैट दिस फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी अराइजेज आउट ऑफ इनजस्टिस, तो ये लिंकेज है थ्योरी ऑफ वो जस्टिस और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन का। फिर मैंने वही थ्योरी को एलेबोरेट कर लिया कि जस्टिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रेक्टिफिकेटरी होता है, फिर वो एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव में वो मेरिट बेस्ड होता है और जो रेक्टिफिकेटरी होता है उसमें प्रोपोर्शनल पनिशमेंट ऑन द हार्मलेस, ठीक है। फिर मैं उससे आ गया हूँ आगे कि तो ये कहता है कि इट वुड बी अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली और टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट हो गया। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे ये एक्चुअली में हो रहा है तो वहां पे वो इनइक्वालिटी वाली फीलिंग राइज करेगी, एंड दिस वुड बिकम द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। और सिंस एरिस्टोटल कंसिडर स्टेट एज सुप्रीम एंड अ प्री रिक्विजिट फॉर गुड लाइफ, तो वो चाहता है कि वो जो स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है ना वो चलता रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो ही गिव्स दिस एलैबोरेटिव स्कीम फॉर कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन एंड वेज टू टैकल दैट रेवोल्यूशन, तो इसीलिए फिर मैंने उसको लिख दिया कि दैट इज व्हाई इट इज क्रिटिसाइज एज स्टेटस को, क्योंकि वो जो रिजीम चल रहा है उसको बनाए रखने के ही आइडिया देना चाहता है, उसमें कोई रिफॉर्मेशन हो कुछ रिवाइवल हो उन चीज पे वो नहीं फोकस करता, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया कि वही जो सारे स्टेप्स बोले थे कि किस किस सिचुएशन में रिवोल्ट हो जाएगा, तो वो फैमिली कॉन्स्परेसी, जेलेसी, कॉन्स्परेसी बाय पुअर और वाइस वर्सा, या इनफ्लो ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में वो सजेस्ट करता है कि क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, जैसे कल्टिवेटिंग स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस अमंग सिटीजन, एजुकेटिंग सिटीजन इन सिविक वर्थ्यू, इनकलकेटिंग फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है। फिर मैंने ये लिख दिया कि मतलब मार्क्स ने उसको क्रिटिसाइज किया कि वो एक तरीके से एंटी पुअर था, और स्टेट का जो रूल था जो कि एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट है उसको परपेचुएट कर रहा है। और फिर मैंने लास्ट में वही जो तूने लाइन लिखी है वो एफ आर और वो सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसका एक मतलब दीदा दादा एग्जाम्पल है उसकी, ये थ्योरी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के इनइक्वालिटीज होती है तो रेवोल्यूशन होता है, वो चीज सेंड किया।
ये मार्क्स वाला पॉइंट अच्छा है यार, मतलब स्ट्रक्चर में ऐसे मार्क्स वाला मैं भी कुछ सोच रही थी कि ऐड करने वाले वैसे तो मेरे मार्क्स को में, बट पता नहीं मार्क्स ने बोला है कि नहीं बोला, बट मैंने उसको आइडिया से रिलेट किया। हाँ बट मार्क्स का एडिशन हम कर सकते हैं ना, तो ये ठीक था। एक कौशिक का भी अच्छा था यार आंसर का फ्लो स्ट्रक्चर, एक बार उसका भी देख सकते हैं हम लोग। कोई पढ़ेगा क्या यार इसका आंसर? हाँ मैं पढ़ देती हूँ। तो इसने स्टार्ट स्टेटस कोइज्म है ना, तो उसके डेफिनेशन से किया था तो अच्छा था। स्टेटस कोइज्म इज प्रेफरेंस ऑफ कंटिन्यूटी ओवर चेंज, स्टेटस कोएस्ट आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज कंजर्वेटिव। हाँ उसके बाद थोड़ा एरिस्टोटल वर्सेस प्लाटो लेके थोड़ा इसने किया था नीचे जाना। अनलाइक प्लाटो हु इज रेडिकल इन हिज व्यू इन रोल ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन लाइक प्रॉपर्टी एंड फैमिली, अरिस्टोटल अपियर्स कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव बैकग्राउंड लेके फिर उसने आगे बताया कि हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड अक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ पास्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बीइंग रेडिकल। तो क्यों कंजर्वेटिव था ये बता के देन उसने रेवोल्यूशन पे मूव ऑन किया था, दैट ही वॉज फियरफुल दैट एनी चेंज विल लीड टू इंस्टेबिलिटी, दस ही नेवर अप्रूव्ड प्लाटोज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इधर पोलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम। कंजर्विंग एलिमेंट्स कैन बी सीन इन हिज डिफेंस ऑफ स्लेवरी एंड सिटीजनशिप। तो वो जो कंजर्वेटिव वाला पॉइंट लेके ना उसने दो तीन चीज़ों को मतलब यहाँ पे लिंक कर दिया था। स्लेवरी में भी जैसे तुमने वहाँ स्टेटस कोइज्म का स्टेट का यूज किया था ना, तो इसमें स्लेवरी और ये सिटीजनशिप वाला भी एड ऑन कर सकते हैं, वीमेन को कन्फाइन करने वाला। फिर आगे हाउएवर बेस्ट स्टेटस कोइस्ट व्यू कैन बी सीन इन हिज बुक ऑन रेवोल्यूशन, फिर इसने यहाँ से शुरू किया, विच इज एग्जॉस्टिव वर्क प्रोडक्ट ऑफ स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन इन 158 कॉन्स्टिट्यूशन। ही हैज एनालाइज दैट सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज डेमोक्रेसी एंड ऑलिगार्की आर कॉजेज ऑफ जेलस एरोगेंस एंड इग्नोरेंस, फिर वो जनरल पर्टिकुलर कॉजेज लिए हैं। फर्दर ही आइडेंटिफाइड मोस्ट कॉमन कॉज विच इज फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी रियल और इमेजिन। ओके एंड टू मेंटेन स्टेटस को एंड प्रिवेंट एनी इंस्टेबिलिटी ही ऑल्सो सजेस्टेड सोल्यूशंस, फिर ये सोल्यूशंस वाला पार्ट है फॉर हिम इंस्टेलिंग फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म वगैरह वगैरह। नीचे नीचे जाना है, फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म, लॉ बाइंडिंगनेस एंड सिविक वर्च्यूज। फर्दर ही सजेस्ट रूल ऑफ लॉ। हाउएवर दो नॉट फेवरिंग चेंज, अरिस्टोटल इज प्रैग्मेटिक टू एक्सेप्ट दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड इवन प्रेफर्स चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म एंड, ये शायद कंक्लूजन है ना, तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन था, तो ये मुझे अच्छा लगा था कि मतलब उसने रेवोल्यूशन वाला पार्ट लिया है और स्लेवरी का थोड़ा मतलब बाद में बताया, दैट ही रियलाइज कि रिफॉर्म वगैरह भी सजेस्ट किया है करके। मतलब इसमें ऐसा लिखना चाहिए था क्या, मतलब जैसे इसने इस चीज को स्टेटस पोइजम को एक्सट्रापोलेट कर दिया और चीजों में स्लेवरी वगैरह में, तो और उसी से आई थिंक उसकी लाइंस पे एंड भी कर दिया, ये ठीक रहता है हाँ क्या? वो तो है, आई डोंट नो यार थोड़ा सा, हाँ वन डायमेंशनल है पर मतलब दो तीन जगह थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं जैसे दो तीन पॉइंट्स इनको यूज करके, अगर बड़ा आंसर हो तो। आई गेस आई डोंट नो बाकी तो। मार्क्स पे डिपेंड करेगा शायद। ओके राइट, बाकी किसी का कोई व्यू है क्या? इसमें नक्सलिज्म का एग्जांपल डाल सकते हैं क्या? या लास्ट 45 रिलेवेंस। क्योंकि सेडिशन पर्टिकुलरली वो आई थिंक लास्ट में कंक्लूजन सबने मतलब ये शानू ने भी ऐसे किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, आई थिंक वहां पे नेशनलिज्म डाल सकते हैं एक तरीके से, उसी सेंस में कह रहा ना। हाँ वही वही, मतलब इनइक्वालिटी और वो। हाँ सही है, और उसके फिर आई थिंक उस रेस्पेक्ट में हम वो भी डाल सकते हैं सजेशन के क्या है कि वो एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो सब है ना, पेट्रियोटिज्म मिलना चाहिए, तो मे भी शायद वो वापस आ जाए। आई थिंक इवन एरिस्टोटल ने कुछ बोला था कि एक मॉडरेट वेल्थ ही होना चाहिए, एक्सट्रीम वेल्थ डिफरेंस नहीं होना चाहिए टाइप, उसके थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में। हाँ प्रॉपर्टी में वो ट्रस्टीशिप वाला ही आइडिया आ जाता है उसको वहां पे। ऑल राइट, इसके और कोई भी है नेक्स्ट पेज?
critically examine Aristotle's idea on citizenship and property. How does it differ from present time? PS ने लिखा है, Mayank ने लिखा है. We have I think you can read your answer. I'll add my points after you. Okay. Mayank bro, present. It seems Mayank is not responding. Achha, it's okay, I'll read mine then. So I basically started normally that saying Aristotle is a political ideologist who believed in the state and the concept of virtuous life, and for that he gave theories like theory of citizenship, property, and etc. And in the body, like in each, in both of these, like theory of citizenship and theory of property, I wrote the positives of that and negatives of that. So basically, in theory of citizenship, I wrote that, you know, the theory of citizenship is basically basically shows his preference of democratic system over the idea of philosopher king, which his teacher has showed. And also, his reading of several constitutions indicates that he is a he's more scientific person. In the critical part, I wrote that he's excluding of certain sections of society like foreigners, women, and slavery. It denotes his racist attitude, conservative attitude, and lack of concern for human rights. This part I elaborated a bit because you know the question is basically asking critically examined. And in the theory of property, I wrote about the positives which Aristotle himself stated that it promotes, it motivates individuals, it promotes charity, and it helps in better keep of property, and also ensures the stability of society because man of property is guided by reason. And in the negatives, I wrote that you know Aristotle says that the labor of the slave is should also be included in the personal property of the master. So I said that this is against the basic human rights, and he doesn't it doesn't show respect towards the dignity of labor. And I quoted Immanuel Kant here, and also said that you know this particular thing that an individual will share his property with the community is very idealist without getting corrupt and greedy. And in the conclusion, I closed it saying that his ideas are progressive and well-intended for those times, but they appear partly regressive and idealistic seen in today's context. And one thing which I didn't write in the answer, but I mentioned later in this particular window, that there is another scholar, C. Maxey, who says about this theory of citizenship. He says that the greatest value Aristotle theory of citizenship is the salvation of the political society lies in the enthronement of middle class as the rulers who represent the golden mean between wealth and poverty. This particular point I have not added in the answer, but I added later to the discussion. Mm-hmm. If somebody else has other points, maybe you can add. Okay. Mayank प्रेजेंट है क्या अभी दिख तो रहा है प्रेजेंट ठीक है एक बार रीड कर देता हूँ सुषमा ने पढ़ा होगा ना इतने तो वो बता सकती है तेरे क्या मयंक कांत से पढ़ा है सुषमा आपने Yeah, I read his answer is almost similar to mine but his criticism part is very you know precise and concise like he didn't elaborate too much on that other points almost they are similar like there are no addition points to whatever I wrote theek hai to criticism mein isme dekh leta apne ek baar I studied theory of property, the theory of status, communism of property. So he criticizes excessive accumulation of property as unequality
inequality leads to injustice, which is the biggest cause of revolution. For moderation, he suggests private ownership and common good. He also advises property class to contribute for the state and society. Aristotle's ideas have a profound impact on Western European philosophy. According to Zeller, Dr. Zeller, Aristotle politics is the greatest contribution to the political philosophy that we possess. It is important to appreciate on idea, but it is also relevant to check the transcendentalism of an idea. Aristotle's theory of citizenship gives a new meaning to the people-state relationship, where we emphasize that citizenship is not just an identity, but a duty towards state. This is still relevant today on the grounds of good relevance, but in present day of democracy, the theory of citizenship looks too narrow and unsustainable for its questionable exclusion. His theory of property is a reflection of the conservative tradition. His idea of common use of property comes nearest to Gandhi's idea of justice. In present day, the collapse of USSR and communism has to some extent established the unsustainability of idea of common ownership. बट आई थिंक वो तो इंडिविजुअल ओनरशिप की बात करा था ना, ये पॉइंट ठीक रहेगा ये लिखना कॉमन ओनरशिप वाला। Which one? He wrote this point ना, unsustainability of idea of common ownership. Yeah. In context to USSR and communism. So they talk about common ownership, but Aristotle talks about individual ownership and common use. So I think दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया ना ये तो। ये एक्चुअली प्लेटो का क्रिटिसिज्म हो सकता था। आई थिंक ही इज जस्ट कमेंटिंग ऑन द यू नो एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। वो तो आई गेट इट, बट प्लेटो तो सॉरी एरिस्टोटल रिकमेंडेड इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज, नॉट कॉमन ओनरशिप। या राइट, एक्चुअली वो प्लेटो का होना चाहिए। वो ऊपर उसने कॉमन यूज लिखा है, नीचे कॉमन ओनरशिप लिखा है। या थोड़ा, बट प्राइवेट ओनरशिप हैज गिवन राइज टू एक्सट्रीम इनइक्वालिटी एंड मे लीड टू रेवोल्यूशन एज प्रिडिक्टेड बाय एरिस्टोटल। स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी फॉर द सस्टेनेबल मेंटेनेंस ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, आई थिंक प्रेजेंट का भी थोड़ा सा रिलेवेंट इस तरीके से हो जाएगा। फॉर द प्रेजेंट रिलेवेंस पार्ट आई थिंक देयर आर मिसिंग पॉइंट्स। What is given in Mayim's notes that the present times it is completely against violation of human dignity, and examples of global ownership, this tragedy of commons when all the countries are using but they are not taking, they shift the responsibility to the other to maintenance, that is for property. And for citizenship we can talk of refugees. When refugees are, when they are stateless people, then the Aristotle's main concern was for man to be political, and by being a stateless person, there is he is being devoid of his political participation. And also about those people who are being deprived of citizenship, that way he's not giving them a chance to take part in the state affairs. Refugees in the present context, that when no state takes responsibility of them, they are facing the most persecution. So refugees ko link kahan pe kar rahe ho aap? In citizenship. That they're not being given citizenship, and that is why they're most persecuted. Okay, as criticism that because this is the manifestation of Aristotle's faults, that refugees, they are faced the most they are the most vulnerable. And during that time, maybe Aristotle, if such a state had come where all the non-adult male property people were not being citizens, they would also have suffered the same fate.
है आप, हाँ मतलब ठीक है, आप अपना यार ये पॉइंट ना इसमें कमेंट में डाल दो। या ओके और कोई व्यू है किसी का इस क्वेश्चन पे? ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन 8, एरिस्टोटल एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, काफी लोगों ने लिखा है, समीप, भारत, कोमल, विजय, आशुतोष, कौन बोलेगा यार इस पे? हाँ हेलो, हाँ भरत। भारत, ओके। Here in the Aristotle started with the standard introduction in the first two paras, talking about the 158 constitution, common sense, and its best practicable form of government, and his book Politics. And coming to third para, I've linked with Plato, how Aristotle got influenced by Plato. And coming to fourth para, Plato's world of ideals and reality, but whereas Aristotle showed prominence to reality. Come to the next para, the idea and also the matter, the differences between the idea and the matter between the Plato and Aristotle. Coming to next para, I talked again about this 158 constitution, how he was coming up with this book Politics. And the last para, I can compare with him with Machiavelli, how these two are being very practical, and concluded with the Whitehead quote. Whereas he says the entire Western political thought is nothing but footnotes of to politic to Plato and Aristotle. We can add this point now that I know Aristotle is the first person to have given so many theories on state, like theory of citizenship, slavery, property, constitution, many points related to state. Like he's the first. मैं अपने वाले पॉइंट ही रीड कर दूं क्या? हाँ बता रहे। हाँ ये मेरे वाला खोल लो। फर्स्ट में पहला में वही है। Aristotle was one of the greatest disciple of Plato and a teacher of Alexander. He is considered father of political science, as by his meticulous and painstaking research of political institutions and behavior, he provided first framework of studying politics empirically and scientifically. Second para mein, Aristotle in his book The Politics has elaborated the concepts of ideal state, slavery, revolution, education, citizenship, forms of government, theory of golden mean, theory of constitution, etc. Aristotle was the first who used inductive method in the study of political science. As Aristotle was from a family of physicians, he applied scientific method, comparative method, historical method, realism in political science theory. He rightly said, man is a social and political animal. Man cannot live without state. He used to say who can live without state is either beast or god. He even gave theory of constitution after analyzing 158 constitution of that time. Aristotle was a realist, unlike Plato, who was idealist. He always maintained that the purpose of politics is to work out the best state for the overall development of its citizens. Thus, he termed politics as a master science. In today's age also, his legacy of rule of law theory rather than rule of wisest or best is still researched. Today, the entire edific of modern civilization is based on constitutional provision and well-defined laws. Even Gattel has rightly said, Aristotle analyzes the evils that were prevalent in the society due to defects in political system. But Aristotle is also criticized for justifying the slavery. Immanuel Kant criticized Aristotle and said, each man is end in itself. No one outrates the other as a means to an end. Aristotle's influence on subsequent political philosophers is without a parallel in the history of political theory. His theories are still followed and researched, which proves Aristotle as father of political science. बहुत सही लिखा यार, ये तो फोड़ दिया। और कोई इनपुट किसी का इसमें? और कोई पॉइंट आना चाहिए था?
राइट देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं. ओके क्वेश्चन वॉज कमेंट ऑन मैकियावेली सेक्युलरिज्म. या मेरा आवाज साफ है अभी? अरे बहुत ही बढ़िया रहा. तो इटली वॉज रूल्ड बाय द रोमन चर्च, मतलब सॉरी सीट ऑफ रोमन चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और वहाँ पे करप्शन की वजह से बहुत ज्यादा था. उसका बोलना था कि चर्च के करप्शन का एक करप्शन होना इतना एक रीजन है जिसकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और उसमें करप्शन हो रखा है. बेसिकली मैकियावेली जो हमने मतलब सेक्युलरिज्म के वाले थॉट है, वैसे बाय द वे ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स और उसका रिलीजन का जो वो दे रखा है रिलेशन बताना था दूसरे क्वेश्चन में, उनको हम क्लब कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब मिक्स ही है. हाँ, तो मैकियावेली वो एंटी रिलीजियस नहीं है, वो बस उसको रिलीजन को जो है पहले मतलब रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका यूटिलिटेरियन अप्रोच है. ही थिंक्स कि उसको एज अ डिसिप्लिनरी फोर्स के तौर पे हम यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. तो उसके उसके व्यू में सीधी बात यह है कि जो यार्डस्टिक ऑफ पॉलिटिक्स होता है. हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ, तो उसके बोलने में मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट इज द यार्डस्टिक ऑफ पॉलिटिक्स, तो नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना पड़ता है उसके उसके बेसिस पे. भले ही वो कह रहा था कि रिलीजन को स्टेट से अलग रखो, बट जरूरत पड़ने पड़ने पे उसको यूज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने अगले उसमें यही बता रखा है, तो उसमें मतलब उसने यही लिखा हुआ है कि व्हाट मे बी एथिकली रॉन्ग मे बी पॉलिटिकली करेक्ट. मतलब कि एथिकली रिलीजन को यूज करना कभी कभी पॉलिटिक्स में गलत हो सकता है, लेकिन वो पॉलिटिकली सही हो सकता है. मैंने इस कंटेक्स में जो है ये आर्ग्यूमेंट दे रखा है. ठीक है, उसके बाद मैकियावेली ने एक चीज और बोल रखी है. हेलो, उसको जो है पब्लिक में अपने ये ओपिनियंस को हाइड करना चाहिए और मतलब इतना बोला. उसके अलावा आखिरी में मैंने लर्नर का वो व्यू डाल रखा है कि मैकियावेली जो है पॉलिटिकल रियलिज्म से काफी ज्यादा वो है मोटिवेटेड है, और समाइन का व्यू है कि नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड है. इसमें जो क्रिटिसिज्म एक और आना था इम्पोर्टेंट वाला जो मैंने डाला नहीं, बाद में पढ़ा मैंने, कि मैकियावेली के जो भी व्यूज हैं वो साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी अपने आर्ग्यूमेंट में स्केप्टिक व्यूज नहीं देता है, वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स देता है. तो उसमें अगर आप कोई उसको उसको कोई अगर आप उसमें ओपिनियन नहीं डाल रहे हो तो वो साइंटिफिक नहीं माने जा सकते हैं. दूसरी बात, जो रिलीजन वाला पॉइंट उसने बोला था, उसने इसमें मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं. रिलीजन वाले पॉइंट उसने कहा था कि जो फ्रेंड्स है उसको पांच वर्ड से उसे दूर रहना चाहिए, लॉयल्टी अवोली लॉयल रहने से, या फिर ह्यूमन नेचर से, या फिर जो है करप्शन उसे कंपैशन से, या फिर ऑनेस्टी से, या रिलीजन से. और उसने इसी कंटेक्स में कहा था कि उसको जो ही शुड स्टिक टू द गुड व्हेन एवर ही कैन, बट ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू बी बैड व्हेन सिचुएशन डिमांड्स. उसके बेसिस पे उस कंटेक्स में उसने रिलीजन को जो है अलग रखने को कहा था. और किसी का कोई इनपुट इस पे? मैकियावेली सेक्युलर को वो तो सब बोल ही दिया उसने, लेकिन ये वाला बोल सकते थे कि रिलीजन के कारण ही वो हाउस डिवाइडेड इटसेल्फ था, इटली का जो था. और मतलब पहले उसको देखा गया था कि यूनिफाइंग आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर सेक्ट्स बनने लग गए एक दूसरे और फिर वो खुद ही लड़ने लग गए, इसलिए वो उसका स्ट्रेंथ नहीं दे पाया. ऐसा लिखा है क्या तुमने? ये फिर से बोलना लास्ट वाला पॉइंट. वो मतलब पहले यूनिफाइंग आइडियोलॉजी एडमिनिस्टर करने के लिए कोई ना कोई यूनिफाइंग आइडियोलॉजी चाहिए रहती है अपने को, तो रिलीजन ने वो काम किया, लेकिन बाद में बहुत सारे सेक्ट्स बनने लगे उनके, तो फिर वो इन फाइटिंग होने लगी और फ्यूडलिज्म भी आ गया, तो उसके कारण जो रोमन जो था किंग उसकी पावर रह गई. ये थोड़ा सा मतलब कंटेस्टेड लास्ट वाला पॉइंट जो बोला, क्योंकि मैंने पढ़ा था फ्यूडलिज्म पहले था और फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो था ही है कि स्टेट का स्टेट में जो है चर्च का रूल होगा और साथ में जो है नोबलिटी का रूल होगा, मतलब जो नोबल लॉर्ड्स होते हैं, मतलब वैसल लॉर्ड रिलेशनशिप. तो फ्यूडलिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वहां समय स्टेट्स में. तो मैंने कहा, मैं बोल रहा हूँ मैकियावेली ने ऐसा बोला है कि फ्यूडलिज्म प्लस चर्च ये जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है इनके कारण इटली में मतलब वो वंडरफुल.
डिवाइडेड अमॉन्ग ये था ये, और इसके कारण वो चाहता था कि कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर है जो आयरन हैंड से रूल कर सके, ऐसा वो कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा था। हाँ मैं रिलीजन तुम कह रहे हो उसको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्रिटिसिज्म बता रहे हो, मेरे को वो लगा। नहीं वो शुरू वाला पार्ट बता रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू का, शुरू का, हाँ शुरू का मैंने थोड़ा वो बहुत ही जनरल लिख दिया है मैंने, मुझे कुछ एकदम याद नहीं आ रहा था तो मेरे को जो था वैसे लिख दिया। इसके अलावा हाँ इसमें एक चीज और ये आ सकता है, मतलब वे फॉरवर्ड में जो बाकी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आगे जाके जो मैकियावेली के व्यूज है वो मतलब की मॉडर्न स्टेट की वो था, मतलब की जो बेस बनना शुरू होता है, क्योंकि इवेंचुअली अगर अगर इवेंट्स को देखते हैं तो यहाँ पे मतलब वही इवेंट चल रहा था जो मैकियावेली आता है, मैकियावेली के आने के बाद थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आना शुरू करता है और इवेंचुअली जो है मैस्कुलिन थ्रीडी साइन हो जाती है उसके उसके मतलब 20-30 सालों के बाद। तो मतलब एक तरह से मतलब उसका बेसिस बनना शुरू हो गया था जहाँ पे स्टेट से रिलीजन को अलग कर जाना, शायद शिवानी ने मेरे इसमें लिखा भी हुआ है शायद। इसका शायद लॉजिकल कंक्लूजन वो हॉब्स के इसमें भी डाल सकते हैं कि वो मॉडर्निज्म में ट्रांजिशन शो कर रहा है वैसा कुछ। बट उस कंटेक्स में बोला, अगर रिलीजन कंटेक्स में पूछा तो हम रिलीजन कंटेक्स में डाल सकते हैं, ये शायद शिवानी ने लिखा था। हाँ कि आगे जाके वेस्टफिलियन वर्ल्ड ऑर्डर आया तो अल्टीमेटली जो है ये जो था रिलीजन और उसका स्टेट का सेपरेशन, जो यूरोपियन वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो एक तरह से इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है actually you can add like this also like Machiavellian it is like rise of re-rise of renaissance, so what happened is like because of this rise of church this renaissance have become like their ideas have been suppressed by the superstitious ideas and like Italy has divided into 7 parts, so there were a lot of intellectuals. One among those was Machiavelli also, he was also feeling about like bad about this what happened like Renaissance suppressing this intellectual, church suppressing intellectual kind of you can give them reason. I'm so sorry, I think something is really wrong with your mic, I'm not able to grasp exactly what you are trying to say, I'm so sorry. Varun, why don't you write in the comment of this question? So, sure. Because Varun, the thing is ki tum roz kuch kuch input de rahe ho but wo clearly mic se nahi aa pa raha hai. और किसी का कोई व्यू है क्या मैकियावेली सेक्युलरिज्म पे? ठीक है चल रहे Critically examine Machiavelli's view on religion politics. ठीक है, इस पे कोमल ने लिखा है और शिवानी ने लिखा है। शिवानी है ना? वैसे एक क्वेश्चन काफी हाँ डिस्कस हो चुका है, निलेश ने करी दी अपने आंसर में, तो मैंने इंट्रो जेनरिक से वही फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर उसके वर्क्स वगैरह बता दिए, द प्रिंस डिस्कोर्सेस और फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट रिलीजन एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में मैंने वही थोड़ा सा बताया कि करप्शन वगैरह थी जैसे पलाश बोल रहा था, तो चर्च वगैरह के कारण तो उसने डिवाइन लॉस को डिनाई कर दिया, जैसे मेडिवल फिलोसफर्स थे सेंट ऑगस्टीन वगैरह तो ये बिलीव करते थे डिवाइन लॉज ह्यूमन नेचुरल लॉज वगैरह में, तो he was not of opinion कि ये होने चाहिए। फिर उसके बाद वो चर्च को एक हिंड्रेंस मानता था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अगेन व्हाट पलास सेड फ्यूडलिज्म प्लस चर्च तो यूनिफिकेशन में प्रॉब्लम थी। तो मैकियावेली को फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म भी बोला जाता है, वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था लेकिन उसकी यूटिलिटेरियन अप्रोच थी रिलीजन को लेके कि जो रिलीजन है उसको जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके साथ में हम ले सकते हैं कि वो स्टेट को सर्व करे। फिर उसने बोला था कि प्रिंस को डुअल मोरालिटी रखनी चाहिए क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान से वो अलग है, तो उसको पब्लिक में ऐसे दिखाना नहीं चाहिए कि वो इररिलीजियस है या फिर एंटी रिलीजियस है। फिर मैं कैवली बिलीव करता था कि नेशनल इंटरेस्ट जो है यार्डस्टिक्स हैं, ये सब डिस्कस कर लिया वैसे निलेश ने, और एंड जो है वो जस्टिफाई करते हैं मीन्स को। तो मैकियावेली की जो अप्रोच है वो काफी कई थिंकर्स ने उससे अलग अप्रोच पकड़ी है, जैसे गांधी वो मीन्स को बोलते हैं मीन जस्टिफाइज एंड, और स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पर
मैकियावेली का यही मानना था कि इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजन लाइज ग्रेटनेस ऑफ, कि ये जब हम रिलीजन को मानते हैं तो यही दिखाया जाता है कि सबका भला होगा, लेकिन जब नहीं मानते तो आपको पापी घोषित कर दिया जाता है. बट अगर किसी स्टेट में चलना है तो उसको नेशनल ट्रस्ट को प्राइमेसी देनी पड़ेगी. और इसको पोलिटिकल रियलिज्म का फादर भी बोलते हैं, और इसने मॉर्गेंथाउ को भी काफी इंस्पायर करा है. फिर उसके बाद मैकियावेली की बेशक बहुत क्रिटिक्स हैं, लेकिन डनिंग जैसे लोग ओपिनियन इस ओपिनियन के कि एवरीवन प्रैक्टिस मैकियावेलियनिज्म बट नो वन एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज मैकियावेलियन. तो इसमें भी भरत का आया था कि कुछ रीसेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते थे. बाकी तो सभी शुभ्रा मैम के नोट्स ही लिख रहे हैं. ठीक है यार, मेरा ना एक डाउट था. मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में ज्यादा आंसर्स लिखे नहीं है. जैसे मतलब हम लोग आंसर्स लिखते हैं तो उसमें मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा स्कॉलर्स डालने के कुछ मतलब कुछ अलग से मिलता है क्या उसका? मतलब कि डालने चाहिए हमें ज्यादा स्कॉलर्स और कंटेम्पररी टाइम के ज्यादा ज्यादा व्यूज, क्योंकि शिमरा मैम के नोट्स है वो मतलब टू द पॉइंट है, बहुत ही टू द पॉइंट है जो मतलब लिखना चाहिए हम लोगों को. मतलब स्कॉलर्स वगैरह ढूंढ के मतलब हां मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में वैसा ज्यादा अप्रोच नहीं रखते लोग. अगर हमको ज्यादा ही मतलब अलग करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल थ्योरी में जो और स्कॉलर्स हैं लाइक इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, या फिर जो अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से थोड़े अलग है जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म वगैरह, उनको सब्सटेंशिएट कर दें थोड़ा या उनके साथ लिंकेजेस कर दें, रादर देन कि हम जैसे अप्रोच रखते हैं पेपर उसमें ये 1B में या फिर 2A में थोड़ा वैसा रिसेंट एग्जांपल्स का वो शायद ना रखकर जो मतलब सिलेबस में है उसके साथ ही लिंक करें जो 1A में. मैं मतलब सेंस में कह रहा हूं जैसे हमारे जो पेपर्स वगैरह होते हैं ना, मतलब ये ऑप्शन वाले भी ये प्रोफेसर वगैरह लोग ही चेक करते हैं. अब वो बेसिकली मतलब जो पढ़ाते भी है या मतलब वो लेक्चर्स में डिलीवर करते हैं तो बेसिकली मतलब वो इंडिया की पॉलिसीज के बेसिस पे या फिर मतलब कोई कंटेम्पररी टाइम के ज्यादा एग्जांपल्स नहीं डालते हैं. जैसे शिवानी बोल रही हूँ थोड़ा मतलब कि वैसे जो पॉलिटिकल थॉट हो गया या लिबरल ऐसे आइडियाज वगैरह हो गए उनके कंटेक्स्ट में अगर डाल दो या इंडियन थॉट को अगर मिक्स कर दो तो वो चलता है, लेकिन आप कंटेम्पररी टाइम के इतने अगर कोई एग्जांपल डालते हो वो उतना मीनिंगफुल नहीं बनता है आंसर. हमारे टॉपर्स के जो आंसर्स देखे थे उन्होंने काफी टू द पॉइंट लिखा हुआ था, उन्होंने मतलब ज्यादा नहीं लिखा था ऐसा कि कोई स्कॉलर्स ऐड कर लिया कुछ और ज्यादा ऐड कर लिया. राइट. अभी मतलब भरत ये शायद उन्होंने बोला था जैसे मार्क्स वगैरह ऐड कर दो, शायद कोमल ने अपने आंसर में मार्क्स ऐड करा, पर मेरे को वो भी थोड़ा मतलब मार्क्स भी मेरे को थोड़ा लग रहा था कि अगर हम मैकियावेली के कोई कंटेम्पररी है उससे पहले का लिख देते तो शायद थोड़ा सेट रहता. क्योंकि अगर आप मैकियावेली का लिख रहे हो तो मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है वो अलग है और मार्क्स का टाइम पीरियड बहुत अलग है. मतलब आप इस बार सिचुएशन चेंज हो जाती है. हां जैसे एक बार अगर आप इमरल कांत को लिख रहे हो तो सप्लीमेंट करने के लिए आप गांधी को डाल सकते हो, क्योंकि वही उसमें मीन्स वाला आ जाता है कि थोड़ा कैटेगरी इंपेरेटिव वाला आ जाता है. लेकिन आप मार्क्स को कंपेयर करो एकदम उससे मैकियावेली से थोड़ा अखर आंसर में देख सकते हैं. कोमल का आंसर जब होगा तब देख लेंगे. वो है तो नहीं इसमें यही है नहीं कोमल तो बहुत अच्छे आंसर लिखती है वैसे. Because it is based on the ruling back of the church. The basis of the authority of the state in modern society is is reason, not religion. Machiavelli has separated the church and the state. Modernity, rationalism, secularism, and all are interlinked. For this, he is considered the father of European secularism. Machiavelli wanted to unite Italy, but church became extremely corrupt and played policy of divide and rule. Hence, Machiavelli felt that church is the enemy and it should be separated from politics. Machiavelli is not against religion, only against church. He has given utilitarian approach towards religion. As Marx said, religion is the opium of masses. For capitalists, religion is a very important tool. According to Machiavelli, prince can use religion, but prince should
not allow religion to use them. Example, Jinnah used religion. Religion is a disciplinary force. It should be used as a means of social control. Fear of religion is more than fear of law. He advises friends not to appear anti-religious in public sphere because people love and trust religious persons. Religion can be used for national interest. Machiavelli is criticized by Gandhi as he says purity of means in Swaraj and in interlinkages of politics and ethics. Machiavelli is realist and talks about separation of politics and ethics. Dunning said everyone is Machiavellian in politics, but no one accepts it. आई थिंक थोड़ा फ्लो का इशू लग रहा है, बाकी तो आई थिंक पॉइंट्स ठीक लिखे हैं। यार दूसरा मतलब ये वाला पूछा था, उसने लिखा ना कि रिलीजन में ओपियम ऑफ मासेस, तो मतलब जो मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन को लेके, वो बेसिकली रिलीजन को फ्रेंड्स से रिलेट करता है कि फ्रेंड्स को कैसे यूज करना चाहिए और कैसे यूज नहीं करना चाहिए। बट जो मार्क्स का है, मार्क्स बता रहा है मतलब कि मासेस के बारे में, तो ये थोड़ा कंपैरिजन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं थोड़ा सा? मेरे को तो ठीक लग रहा है ये। एक्चुअली वो डिपेंड होता है कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब मेरे को तो एक्सप्लेनेशन ठीक लगा। हां मतलब वो मेरा डाउट था, मेरा डाउट नाउ पूछ रहा हूं मैं। ये वाला जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच के अंडर लिखा है ना, वो सही लग रहा है। वो ओपियम ऑफ द मासेस भी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि वो मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो रिलीजन को एज ओपियम या एक एक हेजेमनी की तरह यूज कर रहा है। अच्छा उस कॉन्टेक्स्ट में हां, फिर तो वैसे मतलब कह सकते हो आगे मतलब प्रिसाइज सेंस में लिखा उसने। ठीक है बेटा, सही है, राइट। हां फ्लो आई थिंक शिवानी का इसमें काफी अच्छा था इस वाले आंसर में। और कोई पॉइंट है किसी का इस पे? Comment on power is an end in itself and Machiavelli inquires into the means that are best suited to acquire, retain and expand power. Thus, separates power from morality, ethics, religion and metaphysics. This thing on Machiavelli. Varun, you have written it. Is it audible? हाँ audible है, पर थोड़ा वो mic में है ना, वो तो हल्का noise आता है background, वैसा थोड़ा सा आता है background, बाकी ठीक है। I gave introduction to Machiavelli in first two paragraph and then like compared with Plato and Aristotle, for them the state is end, for him the state is means to achieve the power and to maximize it. Machiavelli regards politics as struggle for power and statecraft how to maintain it. In his work, Prince is considered as the best book for the statecraft. For a ruler? To preserve the state and use an instrument like... he can use any instrument like life, murder, theft, it becomes moral at the end. So for Machiavelli, ends justify the means. The central theme of the Machiavelli is like idea of is power. Like political idea is like power. What did I say? Political idea is power. This is essential ingredient of politics. Whatever brings him like success due to the power is justified at the end. That's I wrote round and round the same thing actually. Okay. Absolutely. This also same thing. I'm not much actually. I forgot to write criticism on this. Like you can write Gandhian criticism. हो गया क्या आंसर? नहीं बट आई रोट बैड लाइक आई रोट द सेम थिंग लाइक टू जस्टिफाई फॉर द एबो स्टेटमेंट दैट्स इट लाइक द फॉर मोरल्स आई रोट लाइक ही कैन यूज एनी मींस
politics is independent activity with its own principle and law. State is non-religious and secular. He also recommends to use immoral means to rule whenever it is essential to save the state from external intervention threat. First, the separation of powers from the politics is the essential theory of Machiavelli. Prince expects to maintain his power. He cannot himself behave ideal. So, the dictates of the power require cold-blooded logic and use violence as a tool to maintain his power. Violence should be carefully used and enemy should be completely destroyed by no use of morals and ethics. I mentioned Morgenthau theory. He uses it in international politics. And power is end in itself. और कोई एडिशन इसमें होना चाहिए था? There is some scholar now who says that politics is not devoid of ethics. I don't remember the scholar, but I think maybe we can add that also. Politics is not devoid of ethics. I think ये तो गांधी का सेन है ना? गांधी का ही था. गांधी का ही था ये तो. I don't remember. और कोई इसमें यार एडिशन कोई और पॉइंट जो ऐड करना चाहिए था? स्ट्रक्चर में लग रहा था वो थोड़ा वो प्रिंस वगैरह बुक का थोड़ा मेंशन करके कि बेस्ट स्टेटक्राफ्ट है वो प्रिंस को बता रहा है और ये सब थोड़ा अच्छे से हो जाता तो पावर के डिमेंशंस को भी अलग-अलग से देख सकते थे वो पावर के इसमें लंबा है ना मतलब पोस्ट मॉडर्न का वो और दूसरे पावर के जो है एनआरएन का है जो पोस्ट मॉडर्निज्म में थोड़ा डाल सकते थे एनआरएन को पावर के इसमें पावर टू और पावर फ्रॉम वाले क्रिटिसिज्म में कह रहा है क्या हां मतलब अभी जो स्टेट के वो कंटेंपरेरी टाइम में जो स्टेट के इसमें जो पावर का है सिर्फ वो नेगेटिव सेंस में नहीं है ना वो लोगों के बारे में मतलब वेलफेयर के तौर पे उनकी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज कर सकता है करेक्ट वो है ना एंड फिर क्रिटिसिज्म में आ सकती है और कोई पॉइंट यार किसी के पास Number 4, explain how Machiavelli's application of empirical method to human affairs marks an important stage in the evolution of political science. वो कंपेनियन ने लिखा है और विजय ने लिखा है नेकोंज ने लिखा है विजय बोलेगा क्या इस पे ठीक है बोल रहा हूँ मैं Machiavelli was born in Italy at the time of Renaissance he is considered as the first modern thinker he brought empirical method in study of political science Political science is one of the oldest discipline. It emerged as sub-discipline of philosophy. Religion and ethics were considered part of politics. It was Machiavelli who departed from the past approach of theology and moral philosophy and applied empirical method. As Machiavelli believed that the field of politics should be looked as they are rather than what ought to be. Machiavelli even separated ethics from politics and religion from politics. Machiavelli was a realist and viewed politics as acquisition and preservation and expansion of power. His method revolved around human behavior and historical events. He believed his empirical method will help ruler to be successful. Machiavelli is criticized by many philosophers like Sabine. Sabine said Machiavelli was narrowly dated and narrowly located. Sabine criticized him for his narrow thought of politics. Even Rousseau believed Machiavelli as a devolves
डेविल्स डिसिपल एंड डेस्पॉट्स ट्यूटर. Machiavelli is considered as one of the greatest realists whose main aim was the preservation of the state and welfare of people. Ernst Cassirer had rightly said Machiavelli was Galileo of politics. Actually, उसका मेरे को recent से ऐसे ये बाद में कैसे evolve हो रहा है ये वाला मेरा मतलब answer नहीं वो better है जैसे मेरे को लगा कि ठीक है इसने ये सब दिया पहले से but उसका evolution political science में बाद के जैसे philosophers वगैरह उन्होंने कैसे use किया. I think इसमें वो realism वाला वो डालना था Morgan था वगैरह वो I think सही रहता. इसमें और लोग भी बता दे तो इसमें Morganthau का वो ऐड करना होगा कौन सा पॉइंट रियलिज्म वाला ना. जैसे बाद में उसने यूज किया है फिर और कोई और उनका व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर का भी बोल सकते हैं बाय कंपेयरिंग विद अदर्स. मुझे इसमें उसका स्पिनर का वो था मैकियावेली के ऊपर कि एक रिपब्लिकन प्रिंसिपैलिटी जो कभी भी मतलब लोगों के ओपिनियन से बनती है उसको कभी भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डाइवर्स ओपिनियन होते हैं. मतलब बेसिकली उसका कंटेक्स्ट ये था बोलने का कि पीपल आर मोर प्रोन टू इविल देन दे आर टू गुड. मतलब ह्यूमन नेचर के ऊपर से ही बोला था ये तो मैं इसको एक बार डाल दूंगा उसका था स्किनर का ना? कर दूं. हाँ स्किनर का ये था कि जो भी रिपब्लिक या प्रिंसिपैलिटी जो फॉर्म होती है मासेस की वर्चुअल बेसिस पे वो कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें डाइवर्स ओपिनियन होता है और लोगों का डाइवर्स ओपिनियन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट को फॉर्म होने नहीं देता है. मतलब बेसिकली उसकी ओपिनियन ये था कि पीपल आर मोर प्रोन टू इविल देन दे आर टू गुड. लेकिन अगर एक सिंगल रूलर होगा. हाँ हाँ नहीं कंप्लीट कर लो एक बार. नहीं हो गया ये तुम बोलो पहले बोलो. मैं ये पूछ रहा था कि ये मैकियावेली मुझे आवाज कट गई उसको जो मेन वो है क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन स्किनर ने ही दे रखा है. मतलब कि जो पढ़ते हैं स्किनर वाला ही पढ़ते हैं तो स्किनर ने उसको उसको उसका इंटरप्रिटेशन नहीं दे रखा है मैकियावेली का कि उसने जो अपना रिपब्लिक बना रखा है वो बोलता है कि रिपब्लिक होना चाहिए अगर मासेस इफ पीपल आर वर्चुअस तो रिपब्लिक होना चाहिए अगर वो विशेस होंगे तो नोबिलिटी होनी चाहिए. इसको वो कहता है क्या बोलते हैं नोबिलिटी बोलता है. हाँ मोनार्की सॉरी मोनार्की बोलता है मोनार्की. लेकिन लेकिन हाँ लेकिन वो उसका मतलब उसके जो फ्रेंड्स में जो वो बात करता है या डिस्कोर्स वाली बुक में बात करता है बेसिकली यही बातें करता है कि जो लोग हैं उनका डाइवर्स ओपिनियन होता है उनपे भरोसा नहीं कर सकता सारे ओपिनियंस में क्योंकि जो भी ह्यूमन नेचर है वो अच्छा नहीं होता है वो बुरा ही होता है और इसी के बेसिस पे आगे जाके प्रिंस को बोलता है कि प्रिंस को जो है वो भले ही अच्छा हो अंदर से लेकिन उसे जो है बुरा बनना चाहिए कि जब तक अच्छा रहे लेकिन जब सिचुएशन डिमांड करे तो उसको बुरा बन के रहना चाहिए. तो बेसिकली जो रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू है चाहे वो अमी का हो चाहे Morganthau हो चाहे आपका ये वॉल्स हो जो भी वॉल्स का नाम हो यहाँ तो सबको मतलब बेसिकली हाँ Kenneth Walls सॉरी Kenneth Walls थैंक यू Kenneth Walls ही बोलता हूँ. तो मतलब बेसिकली सबका कॉन्सेप्ट ही यही है कि रियलिस्ट में एक तरह का जो है मतलब डार्क वो है डार्क पॉलिटिक्स है. ये शायद मैम के नोट्स में भी कहीं भी लिखा होता है कि डार्क पॉलिटिक्स वाली बात होती है रियलिस्ट में. हाँ बेसिकली एक तरह से जो है एक फैशनिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर का उसके बारे में तो स्किनर ने उसको ही डेमोंस्ट्रेट करके बता रखा है अपने उसमें जो उसका कोट है मैं उसमें डाल दूंगा अगर रेलेवेंट लग रहा है तो. अच्छा इसमें एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या जैसे अभी के जो मॉडर्न पॉलिटिक्स की भी बात हम करते हैं तो जैसे यूएस की भी जो भी पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं मीन्स रियलिस्ट बेसिस बेस होता है उसका बट वो ओपनली मीन्स ओपनली नहीं बताते हैं सब चीज़ उनके जो अगर कुछ कंट्रीज के हम पॉलिसी की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इवन चाइना की भी तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बेसिस होता है मैकियावेली का. मतलब वही नेशनल इंटरेस्ट सबका बेसिस हो गया कि अपना इंटरेस्ट को सर्व करो बाकी यही दुनिया की भाड़ दी. वो तो मेयर शिमन रियलिस्ट था उसने ऑलरेडी कहा था कि जो यूएसए का जो स्टैंड है वो ऐसा चल रहा है आगे जाके चाइना ऐसे करेगा अल्टीमेटली ये सब होगा तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो उसको मतलब यूज कर सकते हो उसको. Machiavellian in private or मतलब भूल गया मैं
भावना को समझ गया वैसे एवरीवन इज मैकियावेलियन बट नो वन एट सेल्फ टू बी अ मैकियावेलियन करेक्ट करेक्ट ठीक है आई थिंक एक और कोट था इसी लाइंस पे ह्यूमन बिहेवियर में कि वन हु ट्राइज टू फाइंड गुडनेस इन एवरीथिंग विल पता नहीं क्या था कुछ विल फेस डिसअपॉइंटमेंट इन पॉलिटिक्स ऐसा कुछ लाइंस पे है क्या पढ़ा था किसने ह्यूमन बिहेवियर पे लिखा था उसने वो शायद नेहरू का शायद मैम ने कंपैरिजन भी किया था शायद तो प्रिंसिपल्स के लिए एथिक्स वाला ही था वो शायद मतलब उसने स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी कि अगर जो बंदा ना गुडनेस देखने आएगा ना हर जगह पे किसी को एग्जैक्टली कोट याद है क्या वो कोट क्या था पेसिमिस्टिक व्यू के ऊपर था ये वाला कमेंट तो उस चीज को थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर और कोई पॉइंट है क्या किसी का इस पे I have written the answer. I went with a different interpretation of the question. Like you were saying, realist in international politics, they can be quoted. They can be quoted in the recent relevance, but the main crux of the body, I felt it since it asked of evolution on how first it was taken as a sub-discipline of political philosophy, then religion, then Machiavelli separates it, and then the English school of tradition. Tries to make it more empirical on the modern nation state basis by having human the social contract tradition talks about human nature but it also complements it with the political obligation of man to the state so I thought that was important after Machiavelli how empirical method was further consolidated in the end we can give that wherever Machiavelli was taken as inspiration in political realism or post-behavioralism. That can be given in conclusion. My answer, should I read it out? Read it out. Basic intro on management of power, then politics, how separated from ethics and religion as an autonomous discipline, then I gave a few basic points of Machiavelli's prince, how he wants him to be, because I could not further consolidate on empirical methods, so I thought human affairs I'll concentrate, so I gave a few traits of how people behave and how the prince needs to behave to counter it. Then this paragraph I wrote about state as sovereign to bring back to empirical part, but that was not interlinked well. It was abrupt. Then I went to the English school of tradition. Then ended with IR point. So further additions, I think empirical method, as Nilesh was saying, how Skinner's quote on Machiavelli, and I understood it as Machiavelli concentrating on human affairs, he said it was empirical, so it was scientific. He claimed it as scientific, but actually humans are prone to changes. Like how, who was that first person who gave realism? Morgenthau. Morgenthau also criticized that human nature is prone to change. So that was a structural school came. And another is empirical method, the criticism of historical method. That they use it for Karl Popper's that historicism. They use history for their own ontology, for their own political purposes. That's it. My side. Okay. Your fourth question, Anna, is that? Sorry. Fourth question. Fourth question. अभी पढ़ा. Actually, वो शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब evolution के हिसाब से.
पहले उसके पहले एरिस्टोटल सोक्रेटिस वगैरह ह्यूमन नेचर की गुड के तर पे मतलब एक्सप्लेन करते थे। मैकियावेली से वो एक्चुअली वो उसने रियलिस्ट पॉइंट व्यू लेके उसको बताया कि नहीं वो पेसिमिस्टिक व्यू जो था सेल्फिश वगैरह वो शायद उस क्वेश्चन वो डिमांड कर रहा था ऐसा लग रहा है। Then how do we include the part of empirical method? That is correct. That human affairs first it was as a virtue, it was taken as a virtue, then it turned into pessimistic nature, as you said. Then empirical part. Chat कर रहे हो क्या? नहीं. मतलब वो सही लग रहा है कि मतलब जो क्योंकि मैं कहता रहा हूँ कि पहले तो बोल दे तो सही रहा है बट वो एम्पिरिकल मेथड्स को और सब्सटेंशिएट कैसे करेगा मेबी यू कैन से सिंस एरिस्टोटल आल्सो स्टार्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन सो वी कुड कनेक्ट दैट पार्ट क्योंकि वो इंपॉर्टेंट स्टेज इन एवोल्यूशन बोल रहा है ना मतलब वो एक स्टेज में उसने कुछ किया मतलब उसके जो उसने पहले जो चलते आ रहा था अब उसने कुछ अलग करके दिखाया वही है ना मतलब क्वेश्चन का मतलब तो वही लग रहा है। अल्फा ने कोई कुछ कह रहा है क्या? मैं नहीं बोल मैं कह रहा हूँ कि empirical method जो वो बात कर रहा है तो एक तरह से मतलब वो human nature का research करके बता रहा है कि human nature कैसा है उसके basis में कैसे आगे मतलब society काम करती है मतलब basically उसने एक तरह से जो है जो prince की बातें जब वो prince को मतलब लिखता है पूरे उसमें document जो भी लिखता है वो उसमें सब में वो यही बताना है कि human nature है वो realist है और दूसरा वो बार बार यही बात डिफरेंशिएट करता है अगर नॉर्मेलिटी होगी और मासेस होंगे नॉर्मल लोग होंगे तो उस समय वो एक बार को बोलता है कि वो नॉर्मल लोगों को चूज करेगा क्योंकि जो नॉर्मेलिटी वाले लोग होंगे वो इंटरेस्ट से ड्रिवन होंगे उनका बेसिकली मतलब पावर सीकिंग उनका जो होगा मोटिव होगा और अल्टीमेटली वो बाद में मासेस की बातें भी करता है वहाँ भी एक तरफ से यही बातें बोलता है कि रियलिस्ट ह्यूमन नेचर है पावर सीकिंग है मैन इज इविल बाय नेचर मतलब बेसिकली वो पूरी पूरी बातें रियलिस्ट वाली ही बातें कर रहा है जो रियलिज्म का जो इनिशियल फेज हम मतलब पहले भी देखते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है ह्यूमन नेचर के बेसिस में हम बात करते हैं इससे नहीं मेरा मतलब पॉइंट ये बोलने का इससे पहले अगर हम बातें कर रहे थे ह्यूमन नेचर की तो ह्यूमन नेचर के बेसिस में हम जो है स्टेट को डिफाइन कर रहे थे कि स्टेट कैसे मतलब से फॉर्म हो रहा है अभी तक किसी ने भी ये बात नहीं करी थी कि ह्यूमन नेचर ऐसा है तो इसलिए जो है आपको जो रूलर है उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए इसके बाद जो है पावर सीकिंग और पावर वो जो वो था बैलेंसिंग वाला था इसके बाद से आना शुरू होता है अभी तक स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था और वो ऑर्गेनिक व्यू आ रहा था जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे मैं तो ये सोच रहा था कि पहले जो चल रहा था वो था नेचर ह्यूमन नेचर व्हाट ऑट टू बी इसके बाद से व्हाट इज चालू हुआ क्योंकि पहले में बताया था हां हां सही आप सही कह रहे हो एग्जैक्टली यही मेरा बोलने का मतलब है वो जो इसने राहुल ने जो बाद में पॉइंट किए कि हॉब्स ने और उसने कॉन्ट्रैक्ट में कैसे किया वो और इवोल्यूशन आगे वो भी सही है मैं कहता हूं पहले वाला भी शायद अपने को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए ऐसा लग रहा आई थिंक उसी से इवोल्यूशन आएगा ना कि क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि ह्यूमन अफेयर्स मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्योंकि उसके पहले एम्पिरिकल मेथड यूज होती थी पहले बस बताया जाता कि हाँ ऐसा ऐसा करो अगर हम इसको सोफिस्ट से कंपेयर करें तो मतलब सोफिस्ट का वापस आ गया ऐसा कुछ I think that question का पूरा interpret change हो गया तो यार एक बार I think इससे कोई answer लिख के दो ना एक बार पलाश और राहुल नीलेश में तो कोई इसमें एक बार थोड़ा research करके ठीक है alright अभी next पे चलते हैं फिर अपन question number 5th discuss the importance of Machiavelli in the historical in the history of political thought is it correct to say Machiavelli's theory is narrowly located and narrowly dated okay so is pe bharat ne likha hai sumit ne likha hai yaad mein koi hai kya yaar inme se आंसर है समीप का आंसर पढ़ दो यार कोई चलो पढ़ दो Machiavelli said to have laid the foundation of modern political thought the discourses and the art of war were his famous books that
that presides the basis of that provides the basis of political thinking. Next page. Actively, for the first time, provided the theory of nation state and was responsible for the growth of modern nationalism. Result of his core concern was unification of Italy under strong central government. Further, he was one of the first exponent of power politics and laid the foundation of realist school, which is said to have the hegemonic discourse in international political theory. According to Lerner, the whole drift of Machiavelli's work is towards the political realism unknown to formal writing of his time. Further, Machiavelli's thought can be said to be standing at odds with idealism. According to Bacon, Machiavelli wrote about human nature, nature of political society, and its actual operations with a concern about how things are, not how they ought to be. Machiavelli also advocated the autonomy of state and provided for separation of religion from politics and justified a secular state. Further, he gave the theory of raison d'état, reason of the state. It implies action and policies promoting safety, secure and security of state, since the state must preserve itself before providing. Welfare of the people. It is suggested that public morality and morality of the ruler are separate, dual morality. However, he is criticized as a teacher of evil, Strauss, and provided a one-sided view of human nature, that man is selfish, coward, fickle-minded, fearful, and avaricious. Further, Machiavelli also ignored individualism and sacrificed individuals' liberty, equality, and justice at the altar of state. However, Semine believes that Machiavelli is narrowly dated and narrowly located. Since his thoughts are a result of the time and space he lived in. Although it is true that Machiavelli was a child of his times, but it does not mean his thoughts lack any universal or transcendental value. No, I suppose the answer is fine, but कुछ missing सा लग रहा है. और इतना ही answer? हाँ इतना ही है. तीन पेज है. मतलब इसने address तो कह रखे हैं points सारे. Positive में end कर सकता था वैसे. Positive में क्या नहीं है? पॉजिटिव में तो है ट्रांसेंडेंशियल वैल्यू और यूनिवर्सल वैल्यू है उसके आइडियाज में. क्रिटिसाइज नहीं करा उसको एक बार भी. क्रिटिसाइज तो आई थिंक ये स्ट्रॉस से करा ना. हां मतलब एक जगह लिखा है, बट उसने मतलब मेन जगहों पे मतलब वही लिखा हुआ है जो उसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है. उसने आखिरी में दो तीन जगह पे लिखा है बस कि उसके व्यूज है. और हां एक क्रिटिसिज्म ये डाल सकते हो कि वो साइंटिफिक उसका जो वो है व्यू है वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि वो फाइनल आर्ग्यूमेंट देता है, वो कहीं भी स्केप्टिसिज्म के लिए स्पेस नहीं छोड़ता है. और काफी पेसिमिस्टिक व्यू लेता है टर्मिनेटर का. इन्होंने कर दिया मतलब मार्क कर दिया उसने वापस. हाल ही इसने ये वर्ड ही लिखा, बट उसने दिखाया ना अभी कि सेल्फिश है, फिकल माइंडेड है, फेयरफुल है, कावर्ड है. नहीं मतलब उसके क्रिटिसिज्म में अलग से जब नीचे आ रहा है ना तब क्रिटिसिज्म में क्या अभी पेसिमिस्टिक व्यू ले लिया उसने. एक्चुअली इसमें क्या नेचर और नर्चर डाल सकते हैं क्या? इसने सिर्फ नेचर की बात की है. अगर नर्चर अलग रहता है तो फिर क्योंकि इससे सिर्फ पेसिमिस्टिक और रिग्रेसिव व्यू लिया. एक प्रोग्रेसिव व्यू भी होता है कि ह्यूमन कैन चेंज आल्सो हाउ इट बिहेव्स वगैरह, तो वो लग जा सकता है शायद एथिकल होगा इस वजह से. इन्फ्लुएंस एक वो लिखा है वरुण ने, इन्फ्लुएंस रियलिज्म बिहेवियरिज्म नेशनलिज्म. इन्फ्लुएंस रियलिज्म इन से हुई क्या मतलब रिलीजन को तो प्रमोट कर ही रहा है फिर. हाँ मतलब उसमें कंक्लूजन में बाकी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, बिहेवियरिज्म को भी प्रमोट कर ही रहा है वो अपने व्यूज के बेसिस पे. सही है. और कोई एडिशन किसी को लग रहा है इसमें होना चाहिए था?
वानी कोई एडिशन है क्या इसमें? कंक्लूजन में वो फिर से डनिंग अगर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव दिखाना तो बाकी तो सारे डायमेंशंस करें हैं कवर. ऑलराइट नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ कॉटेल एंड मैकियावेली. तो शानू ने लिखा है, सीक्रेट ने लिखा है. सीक्रेट है क्या? शानू है और सीक्रेट कौन है? मैंने पढ़ा है उसका आंसर भी, मैंने बता देता हूँ जल्दी. कोई शुरू हो जाओ. अच्छा पुराने क्वेश्चन पे मेरे को दो क्रिटिक्स मिले हैं, उनकी मैं डेफिनेशन डाल देती हूँ उसमें. पीजे फॉक्स की है, व्हाट इज मॉरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट, एन एक्सियम दैट इटर्नली कंडेम्स द फ्लोरेंटाइन. और एक प्रोफेसर जैदसी की है, मैकियावेली अ ग्रेट पैट्रियट हु बिकेम द प्रोपाउंडर ऑफ एन इमोरल एंड अनट्रू डॉक्ट्रिन. अरे इसमें कंटेंट बहुत था, तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही इसमें सीधा सिमिलैरिटी से करा है इसने. अच्छा बता देता हूँ मैं, वही दोनों रियलिस्ट स्कूल से ही थे और दोनों ने ही अटेंशन अपना पॉलिटिकल फिलोसफी से पॉलिटिकल साइंस की तरफ कर लिया था. और फिर नेक्स्ट पॉइंट में आई टोल्ड की पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में इन दोनों ने डिस्टिंग्विश किया था और कंसर्न विद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट रादर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट. के बाद आई वेंट टू कि दोनों ही एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते थे. तो मैंने बस एक एक एग्जांपल दे दिए थे मैकियावेली और पॉटिग्लिया के, सबसे अच्छे थे इस पॉइंट. और उसके बाद वही कि वॉर बोलते थे कि इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट एट इट कॉजेस लॉस ऑफ मनी और लाइफ और मटीरियल वेलबींग भी खत्म होता है डिटीरियरेट हो. और उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है उनके आइडियाज़ के. गिलबर्ट ने मैकियावेली के ऊपर कुछ बोला था और रंगाराजन ने भी ये सेम चीज़ पॉटिग्लिया के ऊपर बोला था, तो वो सर सब्सटैंशिएट कर दिया. उसके बाद आई स्किप टू पांच सिमिलैरिटी दे दिए थे और पांच डिफरेंसेस दे दिए थे. तो पांच सिमिलैरिटीज के बाद आई जंप टू द डिफरेंस कि टाइम और स्पेस में डिफरेंस था और उसी का इफेक्ट उनके वैल्यूज पे भी दिखता था. मैकियावेली बिलोंग टू वेस्ट, तो उसका प्रिंस हमेशा अबव मोरालिटी होता था, बट कौटिल्या की जो वैल्यूज थी इट नेवर केप्ट अबव धर्मा. ठीक है. और फिर वही मैकियावेली के आइडिया सिर्फ थ्योरी पे ही थे बट कौटिल्या के आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने. तो हम कह सकते हैं कि उसको अपना विजिग इशू मिल गया बट मैकियावेली कुड नेवर फाइंड इट. विजिग इशू वही था ना, कॉन्करर था. करेक्ट करेक्ट, किंग. तो वही उसके बाद फिर इवन दो दोनों एंड जस्टिफाइंग मींस पे करते थे पर मैकियावेली यूज हिस्टोरिकल अप्रोच मेथड कौटिल्या नहीं करता था. और मैकियावेली रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट करता था अगर पीपल आर गुड बट इफ अगर नहीं है तो मोनार्की शुड प्रिवेल, पर कौटिल्या हमेशा मोनार्की को करता. और कौटिल्या ने वर्णा सिस्टम और टॉर्चर और इविल टैक्टिक स्टेट क्राफ्ट को भी अपना काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था पर मैकियावेली ने ऐसा कुछ नहीं. तो इसीलिए मैकियावेली ने कहा था कौटिल्या वाज मोर रियलिस्ट एंड के कंपैरिजन में तो मैकियावेली का प्रिंस काफी हार्डलेस नजर आ. सही है. वेबर का क्रिटिसिज्म आई, वेबर का एक कमेंट आई थिंक बेस्ट है इसके अंदर. इसमें कुछ और पॉइंट्स भी थे वो नीचे कॉमेंट्स में मुझे ऐड किए थे आई थिंक केडी एक वो भी था रियलिज्म में ही, मतलब एक और वो था कंपैरिजन कि कौटिल्या का सॉरी उसका
मैकियावेली का सेक्युलर रियलिज्म है और उसका कॉर्टिल्य का ब्रामेरिकल रियलिज्म है, मतलब कि मैकियावेली सारे लोगों को एक सिंगल लेंस में देखता है, लेकिन कॉर्टिल्य के इसमें जो है मल्टीपल वर्णास वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें मतलब हर वर्णा का अलग अलग मीनिंग है। ब्रामेनिकल रियलिज्म बोल रहा है। स्टुअर्ट ग्रे लिख देना, स्टुअर्ट ग्रे, स्टुअर्ट ग्रे ने बोला ये, मतलब उसका उसका पूरा आर्टिकल है जो मैंने अभी वो स्क्रीनशॉट भेजा था, एक वो डॉक्यूमेंट भेजा था उस वाले में सेक्युलरिज्म वाले में, तो उसमें उसी का पूरा आर्टिकल था, उसने पूरा एक थीसिस लिखा था उसके ऊपर। ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर शेयर कर देता हूं। ये अच्छा पॉइंट हो गया। और किसी के पास कोई पॉइंट है? यूज ज्योमेट्री इन स्पाइस। एक बार इसको बताना, मतलब मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ इसको वैलिडेट करने के लिए, बट ये बोलते हैं कि कॉर्टिंग जैसे मैकियावेली का तो है कि उसका साइंटिफिक मेथड नहीं था, उसने फाइनल आर्ग्यूमेंट दे रखी है, लेकिन कॉर्टिल्य का बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड था, मतलब जैसे मैकियावेली बोलता है उसके सारे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि प्रिंस को ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन कॉर्टिल्य में ये बोल मतलब कॉर्टिल्य अलग हुआ या सेम उसमें आएगा कि वो भी साइंटिफिक मेथड यूज नहीं करता, वो मतलब कि उसके इसमें स्केप्टिसिज्म नहीं है, वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को बोलता है। यार इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमने कभी ऐसा क्रिटिसिज्म तो नहीं दिया कि वो साइंटिफिक नहीं है, मतलब लॉजिक नहीं है, जस्ट अ थॉट मैंने सोचा पूछ सकता हूं। दोनों ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है ना? हां हां वैसे तो अच्छा ये कोई पॉइंट नहीं है, हो सकता है कि मतलब कॉर्टिल्य ने प्रिंस को वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर ही अपना वेलफेयर मानने को बोला है, मैकियावेली सिर्फ उनको मैनिपुलेट करने के लिए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लिखा है ना, लिखा भी उसने सामने राजधर्म करके, ही इज अंडर राजधर्म और वहाँ पे मतलब वो सुपीरियर है, वेस्ट के अंदर जो प्रिंस है वो सुपीरियर है। डिफरेंस वाले में पहला पॉइंट करेक्ट करेक्ट डाला ही आई थिंक। एक कौटल्या का थोड़ा ब्रॉड बेस्ड है ना, स्टेट क्राफ्ट और सोल क्राफ्ट एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, मैकियावेली का शायद नैरो है, मतलब हाँ उसको थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि ब्रॉडर सेंस में और बहुत ही मेटिकुलसली उसने वो आइडिया दिए, जैसे मंडल थ्योरी वगैरह दिए कि वो आरी मित्रा मित्रा और वो सब चीज करके दिया उसने, तो वो चीज बहुत अच्छे से बताया उसने पूरा। अरे कॉन्ट्रास्ट वाले में लिखा था किसने कि दोनों जो है एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, ये लिखा था कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट वाले में अगर हम वो करेंगे सिमिलैरिटी क्या है तो दोनों के दोनों जो है उसमें एक्सपेंशन ये लिखा है ना, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी इन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टू द कंट्रोल, ठीक है मैंने 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 देखा नहीं शायद, मतलब इसमें वो थोड़ा सा ये ऐड कर सकते थे कि दोनों ने स्टेट का ऑर्गेनिक व्यू लिया है ना, स्टेट का ऑर्गेनिक व्यू लिया है कि वो ग्रो करेगा, अगर ग्रो नहीं करता तो डिके हो जाएगा। ये तो है, ये तो है, ठीक है राइट, हो गए सारे पॉइंट इसके अंदर, लास्ट पे चलते हैं, कम करते हैं। एक ही जने ने लिखा ये बेस्ट बुक इन द फील्ड ऑफ स्टेट क्राफ्ट। It advises any aspiring person who wants to be in the power and suggests how to remain in power. According to Macaulay, man is selfish, deceitful, self-centered, coward, and fickle-minded. Macaulay has given knowledge of human nature based on his understanding throughout history, which showed that human nature hasn't changed according to time. According to Macaulay, man is ungrateful as he forgets favors as man is selfish.
He advises prince not to take support of nobles for granted, as they can change sides very easily once they get the opportunity to do so. Man is also deceitful. He can betray the prince when his interests are fulfilled by other side. Hence, to choose between nobles and citizens, prince should go for citizens as being middle class. They do not have appetite for power like those of nobles. Man is coward by nature, means he is fearful of losing all the things that gives him pleasure and happiness. Prince should convince people to support him in their interest, as are best secured only when the prince with iron hand is in power. अच्छा iron hand की बात कर रहा है. Greed, possessiveness and materialistic nature of man allows him to maximize material things. Hence, prince should allow him to accumulate material things to his capacity. During situation of conflict, prince should better execute than confiscate the property, as man is selfish by nature, will forget the death of his father, but never the loss of his property. However, Sabine criticizes Macaulay as narrowly rated and narrowly placed for giving pessimistic advice to prince to govern. According to Sabine, had he belonged to other space and time, he would have need not given so pessimistic advice. कोई और किसी का एडिशन है क्या सांसों में? और लॉक का पॉजिटिव है, मतलब जस्ट कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि तो कैसे कॉन्ट्रास्ट करोगे? मतलब बोल सकते हैं कि मतलब ये आप कहाँ पे आप उसको यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हो? तो जैसे क्वेश्चन है ह्यूमन नेचर, क्या है क्वेश्चन? क्रिटिकली एग्जामिन में तो कंक्लूजन से पहले दूसरे स्कॉलर्स का दे सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं. जैसे जैसे लॉक ने रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है, और हॉब्स ने भी सिमिलर है बट और इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है. मतलब हॉब्स करो इन्होंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड है, उसके बाद ह्यूमन नेचर का. जो पुराने क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है कि एक इवोल्यूशन की बहुत बड़ा स्टेज है, वो ही डाल सकते हैं ना. तुम पूरा कर लो फिर दूसरा करते हैं, फिर से तुम बोल दो पहले तुम्हारा करते हैं. मैं बस ये बोल रहा था कि जैसे पहले जो पहले व्हाट ऑट टू भी चल रहा था, मार्क्स ने पूरा तोड़ के अब व्हाट इज के ऊपर फोकस करके बोला है, और एम्पिरिकल मेथड डाली है ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर करके, तो वो एक सिग्निफिकेंट थोड़ा सा दिखाने के लिए बोल रहा था. कंप्लीट कर दो एक्चुअली मैं पिछला पॉइंट एड्रेस कर रहा था. देखो जैसे आपका मैकियावेली ने पेसिमिस्टिक व्यू दे रखा है, हॉब्स ने भी पेसिमिस्टिक व्यू दे रखा है, लेकिन लॉक का मतलब कि सेम व्यू नहीं, उसने जैसे बोला है ना कि ह्यूमन नेचर इज ड्रिवन बाय रीजन, और उसके बेसिस पे जो है वो कोई भी दूसरे को हार्म नहीं करते हैं, तो मतलब वो अगेंस्ट में आ रहा था इसके, मतलब 25 वाले पॉइंट नहीं आ जाएगा.
हाँ वो अगेंस्ट में बोल रहे थे, क्रिटिसाइज में आ जाएगा वो। हाँ यही बोल रहे। और हॉब्स ने इंडिविजुअल व्यू भी लिया है ना, मतलब पेसिमिस्टिक है बट इंडिविजुअलिस्ट है, और हाँ इनका वैसे नहीं है। हॉब्स का वही था ना कि इंडिविजुअलिस्ट है लेकिन ही इज डोमिनेटेड बाय पैशन, मतलब हाँ थोड़ा सा मतलब अलग। हाँ मतलब थोड़ा सा अलग। हाँ आ सकता है वैसे। हाँ और कोई इसमें पॉइंट, और कोई पॉइंट है क्या इस पे कि वो सेल्फिश है बट सिंपति भी, सिंपति नहीं दिखाता है ना मैकवेली एकदम ही रूप टाइप। मैकवेली सिंपति नहीं, मैकवेली बस ये बोलता है मतलब हाँ पेसिमिस्टिक व्यू लेता है लेकिन वो ये कहता है कि मैन इज गुड बाय, मतलब ये नहीं बोलता कि गुड या बैड, वो बस ये बोलता है कि इज प्रोन टू बी इविल। इनिशियली वो मतलब फाइनल आर्गुमेंट वही देता है। हाँ एक तरह से मतलब वही हो गया एक तरह से। वो तो ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं ना, मतलब कुछ भी बोलना है तो आप राइट। सो आई सो आदित्यस पॉइंट आई गेट दैट यस गिवन ओनली वन साइड ऑफ द व्यू दैट ही इज अ पेसिमिस्ट बट he since he's doing a prescriptive only that such a prince should come and he must have a stronghold, so that way we can even say that Aristotle's view or the Greek thinkers, they had a virtue conception of man. So human nature also consists of the other side, they also have a good side that Machiavelli ignored, or Locke's enlightened view of human nature. कितना भी सिनेसिज्म जो भी मैकेवेलिन दिखाया उसके अंदर का आइडियल वो छुपा नहीं पाया ऐसा कुछ करके कोई किसी ने कमेंट किया था उसको, शायद वो उसके ऊपर था वो रिपब्लिक जो उसने सेकंड बुक लिखी उसकी सेकंड बुक डिस्कोर्स तो उसमें शायद वो कुछ सिने से तो हमें छुपा नहीं पाया और उसके अंदर का आइडियल बाहर आ गया ऐसा कोई किसी ने कमेंट किया था स्कॉलर ने, किसी ने याद नहीं है कौन है। ठीक है यार मेले तो इस पे डाल दी हो तू ये चैनल में ना। ओके चलो फिर ठीक है तो फिर ओके थैंक यू। या भाई थैंक यू, थैंक यू बोल रही थी मेरे लगा पता नहीं और कितना पढ़ना है। ठीक है बाय थैंक्स बाय बाय भाई थैंक्स। यार इसमें ना एक उसके